Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खुशामदी जनाब, एक नई सुबह मुश्किल और बड़ी कठिन होती है, लेकिन वालिद बाज़ूकात बड़े सख्त होते हैं ना। बहुत हम उनसे डरते हैं और हमें लगता है कि यार अब्बू तो ना ही घर आए ना जितनी देर तो उतना अच्छा है, इसलिए कि उतनी देर आपकी आजादी की होती है। जैसे ही आपको पता चलता है अब्बू के आने का टाइम हो गया तो आपको लगता है छोड़ो सब कुछ, अब तो बैठ के पढ़ना शुरू करो। अम्मी भी डरा रही होती हैं, तुम्हारे अब्बू आने वाले हैं, आएंगे तुम्हारे अब्बू तो उनको बताऊंगी, आज तो मैं तुम्हारे अब्बू से शिकायत लगाऊंगी। सो कितनी लोगों के साथ ऐसे हुआ है, आप लोगों के साथ? अच्छा, आप में से किसी के साथ ऐसे नहीं हुआ? तो आपके अब्बू कैसे थे फिर? चले, बहुत अच्छे और फ्रेंडली हैं। नहीं, आपका क्या मतलब है, हमारे अब्बू अच्छे नहीं है क्या? नहीं, मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है बिल्कुल, स्ट्रिक्ट नहीं, फ्रेंड है। मतलब आपको अम्मी नहीं डराती कि अब्बू आने वाले हैं? अब्बू डराते हैं, अम्मी आने वाली है। अच्छा अच्छा, बाकी लोगों के साथ क्या होता है? अब्बू फ्रेंडली हो तो अब्बू कैसे होते हैं, मतलब अब्बू कैसे फ्रेंडली होते हैं, क्या करते हैं, आपके साथ क्या खेलते हैं, क्या करते हैं? मजाक वगैरह करते हैं और बाहर लेके जाते हैं घुमाने फिराने के लिए। अच्छा, डांटते डपटते नहीं है? कभी कभी। ये कपड़े ठीक से पहनो, ये तुमने कपड़े क्या पहने हुए, और इतनी लंबी एड़ी वाली जूती क्यों पहनी है तुमने? इस तरह नहीं कहते, फिर किस तरह कहते हैं? कहते हैं अगर कभी अच्छे कपड़े पहने हो, बेटा अच्छे लग रहे हो, ऐसे कपड़े पहना करो। जी अच्छा, बाबा जी ठीक है। अच्छा, और जो अब्बू मारते हैं पीछे दीजिएगा, किस किस के अब्बू थे भला? अब सारी आपके अब्बू पीछे देना जरा, किस बात पे अब्बू नाराज होते हैं, किस बात पे अब्बू खफा होते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, वो कौन सी बातें होती हैं बताओ तो सही। जब हम छोटे थे ना तो क्या स्कूल में हम जब पढ़ते नहीं थे तब हमें बहुत डांट पड़ती थी। हाँ जाहिर है, इस पे तो हमें भी पड़ती थी, इसलिए कि जब पढ़ते नहीं थे तो अब्बू आके कहते थे सारा दिन किया क्या है तुम लोगों ने, इधर आओ ना जरा मुझे दिखाओ क्या क्या होमवर्क किए। अच्छा, एक पढ़ने पे हो गया, और किस चीज पे मार पड़ती है? किसी चीज पे नहीं। और किसी चीज पे नहीं? अभी तो एक बच्चे ने कहा था, आपने कहा था, हाँ किस बात पे अब्बू जो है वो खफा होते हैं या मारते हैं? गलत काम करो तब। मसलन गलत काम क्या हो गया? मतलब ज्यादा शरारते करो, जब ज्यादा शरारते करो, जब कुछ उल्टा सीधा हो जाए, है ना। अच्छा, लेकिन अब्बू का जिंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होता है और मेरी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक की लाइफ में होता है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं बड़ी एक दब्बू सी, डरी हुई, सहमी सी लड़की होती थी, शर्मीली सी, हर एक चीज से ना मुझे डर लगता था। तो एक दफा हमारी, मैंने सुनाया भी है कुछ लोगों को वाक्य, हमारी बच्चे इकट्ठे मिलके खेला करते थे, हमारी गली में एक लड़का होता था, वो बड़ा ही दब्बू किस्म का ना। सो उसका क्या काम होता था, वो हर एक बुली करता था, जिसे आजकल हम बुलिंग समझते हैं ना, तो वो हर एक के ऊपर रोब जमाना, किसी को लगा देना, किसी को डांट देना, तो हर कोई उससे डरता था और मैं भी बहुत डरती थी। तो एक दिन वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, उसने किसी बात पे मुझे रख के थप्पड़ लगाया और मैंने, अब्बू घर में थे तो मैंने ऐसे हाथ रखा और मैं रोती हुई घर आ गई और मैंने घर आके अपने अब्बू से कहा, अब्बू ने कहा क्यों रो रही हो? मैंने कहा उसने मुझे मारा है, मैं नाम नहीं ले रही इसलिए कि दे आर गुड फ्रेंड्स और अभी भी हमारा आपस में जाहिर है बचपन के फ्रेंड्स हैं। तो उन्होंने कहा कि जी क्यों रो रही हो? मैंने कहा उसने मारा है। मेरे अब्बू ने आगे से पता है मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा तुम्हारे हाथ नहीं है, रोती भी क्यों आई हो, जाओ जाके लगाओ उसे। अच्छा, वो दिन और आज का दिन मैंने कभी थप्पड़ खा के हाथ नहीं रखा यहाँ पे और कभी पलट के नहीं देखा कि शिकायत किसको लगानी है। जिसने मुझे अगर जिंदगी ने हिट किया है ना, तो मेरा दूसरा हाथ हमेशा फिर ऐसे ही आया। मैंने कहा अच्छा चलो, तुमने जो हिट किया है तो अब उसके बाद हम भी, मतलब ये कि वालिद आपको वो स्ट्रेंथ देता है, वालिद आपको वो सहारा देता है जो आपको मजबूत बनाता है। अगर वालिद का साथ हो और उनकी प्रॉपर गाइडेंस और ट्रेनिंग हो तो जिंदगी में आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। आज मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ एक ऐसे ही खूबसूरत रिश्ते से और इस खूबसूरत रिश्ते को हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में, लेकिन उसके साथ साथ इन दोनों शख्सियात की जो इस खूबसूरत रिश्ते में हैं, आपस में जो अचीवमेंट है और अपनी इंडिविजुअल जो अचीवमेंट्स हैं वो भी बड़ी बाकमाल है, इसलिए कि हम उन्हें जानते हैं माशाल्लाह से, उनकी स्क्रीन के साथ, टेलीविजन के साथ वाबस्तगी को हो गए हैं तकरीबन 50 साल। यानी आप सबसे तो आप किस किस ने देखा हुआ है अंधेरा उजाला? नहीं देखा?
یقینی طور پہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, لیکن یہ وہ ٹائم ہوتا تھا جب گلیاں سنسان ہو جاتی تھیں اور ان کا ایک ڈائیلاگ جو ہے وہ ہر ایک بچے کو, ہر ایک بندے کو ازبر تھا, اور وہ تھا دا جماعت پاسا ڈائریکٹ حوالدارا, کوئی مذاق نہیں ہے میں. سو تشریف لائیے سر عرفان کھوسٹ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھے. ہاں ماشاءاللہ, ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ کچھ لوگ زیادہ سے زیادہ سے زیادہ اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں, ابھی فریش سمارٹ زیادہ انرجیٹک ہوتے جا رہے ہیں, which is good thing. ہاں زندگی میں کام کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اسی انرجی کے ساتھ کام کرنا چاہیے جیسے بندہ جوانی میں کرتا, ٹھیک ہے. تو میں اب بھی کام کرتا ہوں اور جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام شروع کیا تھا ان میں سے بہت سے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں, کیونکہ یہ آنا جانا لگا رہتا ہے, بالکل, اور یہ ایک حقیقت ہے, اسے تسلیم کرنا چاہیے. لہذا جو وقت حاضر ہے اس کا مزہ لینا چاہیے, ٹھیک ہے. زندگی کی ٹپ ہے آپ کی. ہاں زبردست. اچھا جو اچیومنٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت رشتے کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور رشتہ ہے باپ بیٹے کا. سو باپ بیٹے کا رشتہ جو ہے وہ ویسے بھی بڑا خوبصورت ہے, اس لیے کہ اگر ہم ریلیجیسلی دیکھیں تو یہ بڑا روحانی سا, بڑا اسپرچل سا ایک رشتہ ہے, اور فادرہڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی بڑا اسپرچل سا ہے. سو اب میں جس کو یہاں بلانے جا رہی ہوں وہ اسٹار میکر ہیں بھائی. آپ کے سامنے جتنے بڑے بڑے سٹارز نظر آتے ہیں, ماہرہ خان ہو گئیں, فواد ہو گئے, فہد ہو گئے, بہت سارے اور ایسے لوگ, لیکن ماہرہ خاص طور پہ, انہوں نے ان تمام لوگوں کو چمکایا ہے, ان تمام لوگوں کی تراش خراش کی ہے, ان کو خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے, اور ان کے بنائے ہوئے ڈرامے ہم سب کو بہت پسند آتے ہیں کیونکہ وہ ایک باکمال ڈائریکٹر ہیں. سو پلیز ویلکم پرائیڈ آف پرفارمنس ہولڈر سرمد کھوسٹ. واہ واہ واہ, کیا اس سے آگے کیا تھا؟ ہاں واہ, یار اگر ان بچوں کو شاعری یاد ہو گئی ہے نا تو اس سے بڑا کمال نہیں ہو سکتا کسی بندے کا اور کسی ڈائریکٹر کا کوئی. سو یہ آپ کو پتا ہے میکر ہیں ہم سفر کے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے. سرمد کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک, اور ہم ایک زمانے کے بعد ملے ہیں, اس لیے کہ بہت زمانے کے بعد, اور میں کہہ سکتی ہوں کہ ہم بھی اچھے اچھے فرینڈس ہیں, اس لیے کہ میں کوئی اچھی دوست ہوں نہیں کہ جو بہت زیادہ دوستوں سے رابطہ رکھے, لیکن آلموسٹ دی سیم ٹائم جب ہم سٹارٹ کر رہے تھے, اینڈ ا لانگ جرنی ماشاءاللہ, بہت لمبی جرنی. یو آر ا سکسیسفل ڈائریکٹر. سو کیسا لگتا ہے؟ اچھا اچھا, بہت اچھا, بہت اچھا. ڈریم کم ٹرو. نہیں, آئی تھنک ڈریمس آپ کی زندگی کی اچیومنٹ سے بڑے ہونے چاہیے. آئی مین دیٹس ون تھنگ وچ آئی میک شیور کہ چلیں, مطلب خواب تو آپ کے کنٹرول میں ہے تو وہ تو آپ بڑے سے بڑا ہی دیکھیں. اچھا, سو خواب مزید بڑے ہیں. او ریلی؟ اب مطلب اور کہاں تک نظر ہے اور کیا سوچا, کیا پلان کیا ہوا ہے؟ بس ایک تو متواتر کام ہونا چاہیے, آئی تھنک آپ کو کانسٹنٹلی کرتے رہنا چاہیے. سو وہ ہے سب سے پہلے کہ رکنا نہیں چاہیے. آپ کہانیاں, جس طرح میں, مجھے لگتا ہے میں کہانیاں سناتا ہوں یا کہانیاں دکھاتا ہوں, تو وہ مزید کہانیاں ہیں سنانے کے لیے, دکھانے کے لیے, ٹھیک ہے. سو بس اور پہلے سے بہتر ہونا چاہیے کام کو, اور فرق ہونا چاہیے. سو بس وہ سلسلہ جاری ہے, چیلنجز کا سلسلہ جاری ہے, اور دیکھیے کہاں تک جا کر یہ سفر شروع ختم ہوتا ہے. ابھی تو شروع ہوا ہے, اور ماشاءاللہ سے مطلب سر کو تو ملا ہی ہے پرائیڈ آف پرفارمنس, آپ بھی پرائیڈ آف پرفارمنس ہولڈر. تو سر آپ تشریف رکھیں گے, ہم ابھی اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. سر مطلب نے نا چھوٹے سے کچھ محاورے یہاں پہ لکھے ہیں آپ کے لیے, اور میں چاہوں گی کہ ان کو مکمل جو ہے وہ آپ کریں, پڑھیں گے آپ لوگ. کیا لکھا ہوا یہ؟
آواز نے نمبر ہی آپ نے اپنے نمبر خود لکھنے ہیں کہ والد صاحب سے نمبر ہی کو ناٹ ان نیگیٹو نوٹیشن میں نہیں لینا. اس کا مطلب ہے کہ اف ہی از کنگ تو آپ کیا ہیں. اوہ اوکے. ہاں اور بڑے میاں تو بڑے میاں سبحان اللہ نہیں کہنا نا ہم نے, وہ تو سرمد نے کہنا ہے کہ وہ اپنے بارے میں کیا لکھنا چاہتے ہیں. اچھا یہ ویسے تو بہت برا ہوتا ہے نا. ہاں اس لیے میں نے کہا نیگیٹو. اور اگر ہم کم بھی کرتے جائیں تو کچھ نمبر اچھے نہیں ہیں. آئی تھنک ان اینی کیس جو بھی ہونا چاہیے یہاں پہ ہونا چاہیے کم, کیونکہ جو بھی ہوتا ہے آئی تھنک ایک باپ کا جو درجہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. اس کو بدل سکتے ہیں نا. ہاں بالکل. آئی تھنک اس کو کر دیتے ہیں بھی اچھے ہیں. واہ واہ واہ, باپ نمبری بیٹا کم نمبری. اور دوسرا محاورہ آج ہم نے بنایا ہے, بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں بھی اچھے ہیں. اچھا یہ اس کے بارے میں آئی تھنک جو بچپن سے مجھے ایک چیز پتا تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, میرا باپ ہے سپر اسٹار. اور میں ہوں, آئی تھنک آئی ول جسٹ سیٹل فار, میں ہوں انسان. واہ 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 سرمد, بیوٹیفل. سو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سرمد جو ہے وہ کس طرح کا ایک پیارا سا انسان ہے. سو پلیز ہیو سیٹ. اس لیے کہ ہم لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد آج ہم آپ کو اس رشتے کی بہت سی ڈیلیکیسیز اور بہت سی خوبصورتیاں دکھانے والے ہیں. ساتھ رہیے گا. سفر تھا مگر آمدی جناب, ایک نئی صبح میں آج آپ مل رہے ہیں ایک خوبصورت سے رشتے سے, دو بہت کامیاب لوگوں سے اپنی اپنی فیلڈ کے جانے مانے پہچانے ہوئے. ہمارے ساتھ ہیں عرفان کھوسٹ صاحب, ہمارا فخر. انہوں نے اس وقت سے ہمیں ہنسانا اور رلانا شروع کیا ہے جب پاکستان کی ٹیلی ویژن اسکرین کو ابھی بہت عرصہ بھی نہیں ہوا تھا, بہت سارے چینلز بھی نہیں تھے, اور ان کے ساتھ ان کے بہت کامیاب سے بیٹے جنہوں نے بے شمار چینلز کی بھرمار میں بھی اپنا نام بنایا ہے, اپنی شناخت بنائی ہے, اور اپنے آپ کو ایک کامیاب ڈائریکٹر کے طور پہ منوایا ہے. سو سرمد کھوسٹ, آج ان دونوں سے ہم مل رہے ہیں. اچھا اچھا سر, کب احساس ہو گیا تھا کہ سرمد جو ہے نا یہ کچھ کرے گا, کب پتہ چلا تھا؟ ان دنوں یہ پڑھ رہا تھا اور میرا خیال ہے کوئی چھٹی جماعت میں تھا. اچھا. یا پانچویں میں تھا. تو میرا چونکہ میں ایکٹنگ کے علاوہ کچھ دستاویزی فلمیں بھی بنایا کرتا تھا. اچھا. یہ آپ کا مطلب سائیڈ لائن ایک کام تھا؟ جی جی جی, کیونکہ بچے ماشاءاللہ میرے تین کم ایک درجن. اس کا مطلب کیا ہوا سرمد؟ نو بچے. نو ماشاءاللہ. اچھا سرمد کا نمبر کیا ہے ان میں؟ سرمد نمبر ففتھ. اچھا. تو وہ میں گھر پر ایک شوٹنگ کر رہا تھا, ایک فلم تھی وہ یہ پاپولیشن کی. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ جو سلوگن ان کا ہے, اور یہ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور بیٹا اللہ کی نعمت ہے. بالکل. تو وہ دور تھا کہ جب سیلولائڈ پر فلم بنتی تھی. ٹھیک ہے. اب تو یہ آ گیا نا دوسرا ڈیجیٹل سسٹم. تو وہ میں ریکارڈنگ کر رہا تھا گھر پر ہی, تو وہ جو ایکٹر تھا وہ ابھی بھی موجود ہے اور وہ اس کی گواہی بھی دے سکتا ہے, عابد کشمیری. اچھا. اور رومانہ مرحومہ. ٹھیک ہے. تو وہ گھر پہ میں جب ریکارڈنگ کر رہا تھا تو وہ سلوگن جب بولا اس نے تو مجھے نہیں پتا یہ کس وقت وہاں آ گیا اور یہ میرے پیچھے کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس نے کہہ دیا کہ بیٹی اللہ کی نعمت ہے اور بیٹا اللہ کی رحمت ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے محسوس تو ہو گیا کہ اس نے الٹ بول دیا,
लेकिन वो जरा जो प्रोड्यूसर होता है वो सोचता है खर्चा रीटेक करूंगा तो वो नेगेटिव वो जाया हो जाएगा, तो मैंने कहा डबिंग में इसको ठीक कर लूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा जी एक बारीक सी आवाज आई कि कट करें। अच्छा, मैंने और वो जो ऑपरेट कर रहे थे कैमरा आकिफ मलिक, वो अब भी हयात हैं अल्लाह उनको जिंदगी दे, उन्होंने कट कर ली। वो आधा हुआ ही था तो मैंने कहा ये कट क्यों किया आपने? तो इसने कहा जी इन्होंने अंकल ने गलत बोला। वाह, तो एक डायरेक्टर था हमेशा से अंदर इन चीजों की सेंस और इन तमाम चीजों तो का पता। मैंने कहा यार वो कोई नहीं, वो तूने नहीं कट करवाना था तो वो मैं इसको डबिंग में ठीक कर लेता। तो तब इसने कहा था कि कैसे करते वो लिप्स जो हैं वो नेमत और रहमत में फर्क है। फर्क है, अच्छा वाह क्या बात है भाई। हम कह सकते हैं कि कुछ खून में मुंतकिल होता है कि डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर्स बनेंगे और एक्टर्स के बच्चे या एक्टर बनेंगे या डायरेक्टर बनेंगे। आई थिंक क्रिएटिव चीज़ों के साथ तो आई एम श्योर थोड़ा बहुत तो आप एक जेनेटिकली कुछ आप में होता है। अच्छा। जैसा मतलब गाने वाले घरानों में जो एक गायकी का ट्रेडिशन होता है सब बच्चों में शायद नहीं आता, लेकिन मैं समझता हूँ हाँ आप लकी होते हैं क्योंकि आप में कुछ जेनेटिक्स तो ऐसे आते हैं। so तो आप समझते हो कि आप बॉर्न एक्टर हो या इनहेरिट किया है या फिर बाय वर्चू ऑफ के अब्बा थे तो चलो आपने कहा इसी फील्ड में आ जाते हैं। ये अगेन यू सी जेनेटिक्स होते तो हैं और वो सब में ही होते हैं राइट मतलब किसी ना किसी तरह की स्किल, लेकिन आपको उसके ऊपर सारा कुछ आप डेस्टिनी पे तो नहीं छोड़ सकते। हाँ। आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ती है, आपको तगोदौ करनी पड़ती है। ठीक है, सो इट्स अ मिक्स। और अगर आपके पास किसी भी किस्म का आपको लगता है रियलाइजेशन होती है कि कोई गिफ्ट है या आपके पास कोई एक सलाहियत है तो आई थिंक वहाँ फिर आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आपको फिर उसको संभालना भी होता है। बिल्कुल, आपको मुझे लगता है जैसे मुझे कोई हाथ से काम करने का हुनर आना चाहिए था, लाइक मुझे बहुत ख्वाहिश होती है कि यू नो आप हाथ से जो काम करते हैं उसकी एक अपनी प्लेजर होती है और उसकी एक अपनी वो होती है, तो वो स्किल मुझे लगता है लैकिंग है मुझ में। You know, लोग पेंट कर लेते हैं या लोग कुछ बना लेते हैं, स्कल्प्ट कर लेते हैं, आई डोंट नो, डॉक्टर्स सर्जरी करते हैं, यू नो, सो वो मुझ में नहीं है स्किल। ठीक है, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने मुझे एक आंख दी है, राइट, सो वी मेक वो स्किल अप, फील दिया है, तो वो दैट इज अ स्किल, आई गेस, नो नो, यस ऑफ कोर्स। फरा सरमद जो बात कर रहा है इस बात को मैं इस तरह से बढ़ाता हूँ, डॉक्टर और एक्टर में एक फर्क है। अच्छा। फर्क ये है कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है तो वो उतना ही कामयाब भी हो। अच्छा। और ये भी होता है वकील का बेटा वकील बन जाता है तो बाप बेटे की जगह जाकर काम कर सकता है। अच्छा। लेकिन एक्टिंग में और डायरेक्शन में ये वो काम है जो खुद करना पड़ता है। बिल्कुल, इसकी हाँ। मेरा काम ये नहीं कर सकता, बिल्कुल मुझे खुद हाजिर होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये उनका टैलेंट नजर आएगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अच्छा सर, मैं हम तो बातें करेंगे, हमारे पास तो टाइम है अभी, हमने कुछ मोस्ट सर्च क्वेश्चंस जो आपके बारे में है या आप कह रहे पीपल्स क्वेश्चंस, आपके फैंस के क्वेश्चंस, उनके लिए हमने आपको दावत देनी है। यहाँ पे जरा गूगल बाबा में आ जाए और मेरे दो अदर दोस्त जो यहाँ पे साइट पे खड़े हुए हैं, इनके साथ भी कुछ करवाना है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो शायद आपके फॉलोअर्स, आपके फैंस, आपके लवर्स जो हैं वो आपसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आजकल की इंडस्ट्री में सरमद का क्रश किस हीरोइन पे? क्रश अच्छा, मेरी क्रश जो है ना वो बहुत पुराने पुराने हैं, पुराने से मुराद ये कि वो कुछ लोग उनमें से रहे भी नहीं। आई थिंक मेरा ऑल टाइम क्रश जो है वो खालदा रियासत है। और आई थिंक मुझे अगर कोई वो एक क्या होता है कलक 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 जो है ना, मुझे वो ये है कि आई थिंक मुझे खालदा रियासत के साथ जरूर काम करना था और वो मैंने। और आजकल अगेन आई थिंक क्रश से ज्यादा मुझे एज अ डायरेक्टर वही होता है कि कुछ लोग आपको इंस्पायर करते हैं कि आप उनके साथ जब मिलके काम कर रहे हो तो वो कहानियां
जो बना रहे होते हैं उनमें. सो आई थिंक यस, हेलो मायरा. सही, हम कह सकते हैं मायरा क्रश है. I mean, you are very, very good friend. If you not say it in your words, then we will put words in your mouth. देख लें, अब ये बात बिल्कुल गलत है, हाँ, किसी के मुंह में अल्फाज डालना, no, not at all. You better say it ना, अपने मुंह से. No, but मैं कह रहा हूँ, I think वो हमारे profession के बारे में एक वो misconception ये भी होता है ना लोगों को कि हाँ भाई इधर तो सिर्फ और सिर्फ आपका रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकता है, बट आई थिंक आपका रोमांस तो स्क्रिप्ट के साथ भी होता है, आपका रोमांस तो उस तस्वीर के साथ होता है जो आप बना रहे होते हैं. सही. सो आई थिंक दैट वेज अगर आप रोमांटिक नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते. वेरी ट्रू. अच्छा, जब वालिद साहब आपकी कास्ट में होते हैं, अब्बाजी को जब आप कास्ट कर लेते हैं, ट्रीट कैसे करते हैं एज एन एक्टर और एज फादर? मैं वैसे अवॉइड करता हूँ इनके साथ काम करना. no. अच्छा. उसकी भी वजह है, वो मैं बात ठीक आपको बताऊं. नो, आई थिंक एक आपकी अपनी जर्नी होती है, तो आई थिंक मेरी जर्नी में मैंने बहुत शुरू में बाकी के साथ जब काम शुरू किया था एज एन एक्टर, आई थिंक वे आर ओके. मतलब हम चूंकि वो आपस में आप एक दूसरे के रिफ्लेक्सेस का पता होता है, एक दूसरे के रिस्पॉन्सेज का पता होता है, ठीक है. सो बट एज अ डायरेक्टर आई थिंक पहले में और अब में फर्क है. अब मुझे ओवर द इयर्स मुझे डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है, या मुझे मेरा दिल चाहता है कि हर चीज़ की एक वो, तो फिर आई थिंक लोगों को ज़्यादा साबित करने के लिए कि नहीं भाई इस डिसिप्लिन में किसी के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो फिर आई थिंक मैं अब्बा के साथ उसी तरह होता हूँ जैसे मैं किसी और एक्टर के साथ. आई थिंक वो हम दोनों ने वो बैलेंस ढूंढ लिया है कि हम उसको नहीं लाते बीच में. अच्छा, फवाद खान आपके अच्छे हमसफर रहे टिल हमसफर, मैं आप ही की स्टेटमेंट कोट कर रही हूँ फ्रॉम समवेयर एल्स, लेकिन अब वो आपकी विश लिस्ट में नहीं, रीजंस क्या है? आई थिंक अगेन इट वाज वन ऑफ दोस केसेस जहां पे मैंने कुछ और बोला था और वो किसी और तरह से प्रेजेंट हो. नो, आई थिंक उसमें भी देखें हमें गुंजाइश देनी चाहिए. जरूरी नहीं है कि आप, जैसा मैं कह रहा था, आप रोमांटिसाइज करते हैं एक आइडिया को, एक कहानी को. सो कभी उस जर्नी में अच्छे वाकयात भी होते हैं, कभी बुरे भी होते हैं, और फिर जरूरी नहीं है कि आप जैसा महसूस कर रहे हैं आप बाद में भी वैसा ही महसूस करेंगे. सो वी हैड अ गुड टाइम, वी डिड दिस अदर सीरियल आल्सो अश्क. फिर हम प्रोफेशनली, मेरा ख्याल है कुछ हमारे डिफरेंसेस थे, बट दैट डजंट मीन कि अब आप उसके बारे में कोई इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना शुरू कर दें. आई थिंक उस वक्त आई फेल्ट वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट, नाउ आई डोंट. अच्छा, सो हम सोच सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में नहीं हुआ ना ज्ञान. आई मीन मेरा वो वाला इशू नहीं है, मुझे बस यही होता है कि जब आप कोई चीज कर रहे होते हैं तो उसकी एक एनर्जी होती है. हाँ. और वो अच्छी होनी चाहिए. तो वो जब अच्छी एनर्जी इकट्ठी होती है तो उसमें कोई भी शामिल हो सकता है. बिल्कुल सही. यानी हम ये तीन लोगों का कॉम्बिनेशन दोबारा स्क्रीन पे देख सकेंगे? आई डोंट नो, एंड मे बी यस. या मे बी यस. एक्टर, डायरेक्टर एंड होस्ट भी हैं आप माशाल्लाह से. सो अगर तीनों में से कोई एक चूज करना पड़े तो विच विल बी योर प्रेफरेंस? डायरेक्शन. डायरेक्शन, श्योर? कोई नो सेकंड थॉट? नो, आई मीन एक्टिंग में आई एंजॉय एक्टिंग, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपनी अपनी रेंज को जितना एक्सप्लोर करना चाहता हूँ उतना उस तरह के कैरेक्टर्स कम लिखे जाते हैं, राइट? और अपनी डायरेक्शन में एक्ट करना, आई थिंक अब मैं उससे काफी एग्जॉस्ट होने लग गया, लाइक आई डोंट वांट टू डू दैट. ठीक है. सो वो लेकिन आई थिंक कुछ थोड़ा बहुत जो मैं कर रहा हूँ उसमें. ठीक है. अच्छा, शास्त्रिक का एक कॉमिक फूल कैरेक्टर से मंटो का एक अग्रेसिव सोशलिस्ट था, सो कौन सा असल बंदा करीब है असल सरमत के? हाउ अबाउट आई थिंक वी सेटल फॉर कि उस वक्त मैं वैसा भी था, अभी भी मैं वैसा भी हो सकता हूँ. सो आपकी पर्सनैलिटी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसमें हर तरह का मिजाज शामिल हो, और एज एन एक्टर आई थिंक आप में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए. सो आई डोंट नो, उस वक्त मुझे लगता है कि शायद वो उस वक्त का एक डोमिनेंट पर्सनालिटी का ट्रेट था. फिर ये फेज आया, एंड ये फेजेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, एंड आई डोंट लुक एट इट लाइक दैट. मुझे लगता है कॉमेडी हो या सीरियस हो या ट्रेजेडी, अगर आपने उसको कोई बहुत ही एग्रेसिव टाइटल देना है, सो उनमें कोई बहुत फर्क नहीं होता. ठीक है. टेक्निक में, क्राफ्ट में. सर आपके ख्याल में, आप बता दें, इसने कॉमेडी बहुत अच्छी की हुई है सरमद ने, और अब माशाल्लाह से मंटो में तो इसने हिला के रख दिया पूरी दुनिया को, जो एक कैरेक्टर जिस तरह से पोर्ट्रे किया, कमाल एक्टिंग. सो आपको इन कौन दोनों में से किस में असल सरमद नजर आता है? सरमद का अपना जाती इंटरेस्ट जो है वो डायरेक्शन की तरफ है. ठीक है. लेकिन मेरी ख्वाहिश जब पूछते हैं आप, तो मैं इसे एक्टर देखना चाहता हूँ. देखना चाहता हूँ. स्टार मेकर, ये दोनों आपके पास खड़े, इतने बड़े-बड़े पाकिस्तान के नाम, वो भी करे,
तो एक था हमारा जो सीरियस हम काम की तरफ आए थे बीइंग ए प्रोड्यूसर और बीइंग ए डायरेक्टर, तो वो था पिया नाम का दिया। पिया नाम का दिया जी, ये बानो आपा का तहरीर करदा था। तो उसमें साइमा नूर वो थी, नुमान एजाज थे, और वो थी इरम इरम अख्तर। तो एक रोल ऐसा था, वो कहानी एक हकीकी रिश्तों से इंस्पिरेशन थी। ठीक है। तो उसमें एक एक्टर को ही कास्ट किया गया था। सही। और ये डायरेक्टर था। तो जब वो उस एक्टर ने थोड़ा सा नखरा किया, उसने कहा जी ये इतनी डेटें तो नहीं, मैं तो इतनी डेटें दूंगा उसमें कर लें, और वो कुछ ले तो लाल में पड़ गया मामला। तो मैंने इसे कहा, उस वक्त ये एस्टेब्लिश हो गया था एज कॉमेडी एक्टर। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा एक्टर, मैं सिर्फ एक्टर में बिलीव करता हूँ। ठीक है। कॉमेडी और सीरियस तो वो उसकी क्वालिटी है। ठीक है। तो मैंने इसे कहा कि यार वो मसला हो रहा है तो तुम ये रोल करो। इसने बड़ा हेजिटेट किया कि मैं नहीं करना चाहता, ये मेरा वो कंसंट्रेशन नहीं रहेगी, मैं इसको बेहतर तरीके से बना नहीं सकूंगा। हाँ। मैंने कहा यार देखो, एक्टर अब जो कोई और करते हैं उसको सारा तुम समझाओगे, और ये जो सब्जेक्ट है ये बानो आपा ने लिखा है, इसमें तुमने एक वक्त लगाया है और तुम इसे अपने एब्जॉर्ब कर चुके हो, अंडरस्टैंड कर चुके हो। तो बजाय इसके कि उसको ट्राई किया जाए नए किसी और बंदे को, तुम ये रोल कर। ठीक, मान ली। नहीं, बड़ा इसने वो डिले भी किया और मुझे कहता रहा नहीं, लेकिन बीइंग ए फादर मैं ये चाहता था। ठीक है। कि मुझे मेरा बेटा एक्टर के रूप में मिले। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने वो रोल भी किया। वो शुरू शुरू में लोगों ने कहा ये छोटा है और ये है, वो कहानी ही ये थी। ठीक है। हमारी ये बहुत एक गलत आदत है कि हम किसी सीरियल का किसी कहानी का सिर्फ एक एपिसोड देखकर और फैसला दे देते। हाँ। ये मिसफिट है, ये है वगैरह वगैरह, जबकि हम फैसला उस पूरी कहानी को देखकर कर सकते हैं, देना चाहिए। बिल्कुल सही सर। अच्छा आगे चले आपके गूगल क्वेश्चंस में से। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि माशाल्लाह से प्राइड परफॉर्मेंस मिला, आपके ख्याल में क्या उसकी क्या चीज उन्होंने पिक की, बिकॉज ऑफ वॉट? उन लोगों से पूछना चाहिए ना, आपके हाल में बंदे को बताता है मेरे अंदर ये बात है शायद। नो, आई थिंक मंटो एक मेरे अभी तक का जो करियर है उसमें एक ऐसा पॉइंट था जहां आई थिंक मुझे अंदर से ये लगता था कि उसके साथ जो मेरा एक ताल्लुक रहा, जो उसके साथ एक जितना वक्त मुझे चाहते हुए और ना चाहते हुए, ना चाहते हुए इसलिए कि वो मैंने नहीं एस्टिमेट किया था कि इतना लंबा जर्नी बन जाएगा। वो टीवी सीरियल था और फिर उसमें से एक फिल्म को डिस्टिल करके निकालना था। सो वो महीनों पे नहीं, वो सालों पे मुहित एक जर्नी थी। ठीक है। सो अपने तमाम तर खामियों के साथ एक्सक्यूज मी, तो वो जैसी भी वो चीज़ बनी, आई थिंक उसकी जितनी एको बन गई थी और जिस तरह से फिर लोग उसको मतलब देख रहे थे, और उससे ही चंद साल पहले मंटो साहब का बर्थ सेंटेनरी था, 100 साल उनकी पैदाइश के, तो आई थिंक वो एक वो जो पूरा एक वो एरा था। सो आई थिंक वो जो मंटो की एक एक्सेप्टेंस थी एज अ फिनोमेना, मुझे उसका बहुत सा स्पिल ओवर मिला। अच्छा। एंड आई थिंक वही होता है कि जब आप इतनी बड़ी किसी चीज़ के साथ मुंसलिक होते हैं, और तो आई थिंक मंटो वॉज द मेन थिंग, मे बी गुड, ग्रेट। सफर रोमांटिक था मगर सोशल इशू को साथ बहुत स्ट्रांगली हाईलाइट किया गया था, एंड सो आर रेस्ट ऑफ योर प्लेस ना। तो मुझे लगता है, और गूगल के बारे में जो हम एक सर्च अब इस वक्त आपके बारे में वो कर रहे हैं, वो ये कि सोशल इश्यूज पे जोर ज्यादा है, मोहब्बत पे कम है कुछ थोड़ा, पुरजोर मोहब्बत पे क्या यकीन नहीं है? नो, आई थिंक बस मैं वो एक वो जो उसकी मेन स्ट्रीम वर्जन है, मुझे उससे मैं अग्री नहीं करता। मुझे लगता है अच्छा वो कहानी तो इतनी दफा हम सुना चुके हैं, वही बात कि अगेन अगर हम उसको लव स्टोरी कहें तो लव स्टोरी सिर्फ एक महदूद नजरिए से क्यों बनाई जाए, कि सिर्फ यही सोचा जाए कि अच्छा ये लव स्टोरी तो सिर्फ और सिर्फ दो जवान लड़का लड़की के बीच में होगी। उसकी बहुत सी शक्लें हो सकती हैं, उसकी बहुत सी
आई डोंट नो फॉर्म्स जो हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहिए. सोशल से ज़्यादा आई थिंक आई एम इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजिकल. ठीक है, मुझे लगता है कि नहीं, कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत सीधे सीधे नहीं, उनमें कुछ टेढ़ापन होना चाहिए, राइट, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो, या जैसा हम सब लोग आई थिंक अपनी ज़िंदगी में अगर एक तवातुर से नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसे फेजेस से गुजरते हैं जो बहुत आसान नहीं होते. और आई थिंक कहानी वही होती है. बिल्कुल सही. एक सीधी सी बात है, एक बंदा बहुत खुश हो और वो कुछ भी नहीं करे तो वो तो कहानी कोई भी नहीं. ठीक है. उसकी जिंदगी में जब कोई प्रॉब्लम आएगी वहां पे कहानी बनेगी, राइट. सो वो एक सॉर्ट ऑफ एक एसेंशियल आयरनी है कि आपको कहानी में कोई ना कोई पेचीदगी चाहिए होती है. ठीक है. तो मुझे नफसियाती पेचीदगियां अच्छी लगती हैं. और या बस वो जो होता है ना कि अब जैसा हमसफर था, तो हमसफर मेरे नजदीक एक फेरी टेल था. मुझे लगता था हमसफर में तो कोई सोशल मसला नहीं था. रियली आई थॉट देयर वाज नो सोशल प्रॉब्लम इन इट. एक औरत की नजर से देखें, एक औरत को धक्के मार-मार के घर से निकाल दिया गया. वो तो देखें है ही, बट स्टिल मतलब ये तो फेरी टेल्स में भी इस तरह होता था ना. मतलब सिंड्रेला की फेरी टेल में उस पर जुल्म होते थे. और अगेन आई डोंट नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जरूर आप लोगों को मतलब मेरा टिल्ट ज्यादा रियलिस्टिक प्रोबेबली उस पे रहा है. तो ये थोड़ा सा मुझे लगता था उतना रियलिस्टिक हमने नहीं किया था. एक कहानी थी जिसमें एस्केप भी था. ठीक है. खूबसूरत लोग थे, अच्छी एक्टिंग थी, एक मजबूत स्क्रिप्ट था, एक अच्छी फैंसी प्रोडक्शन थी. सो आई बिलीव कि वो जो एस्केपिज्म है वो मुझे हर वक्त अच्छा नहीं लगता. कि हर वक्त लोगों को आप सिर्फ ये ना दें कि हाँ ये एक फैंटेसी है और इसमें सब कुछ जो है वो अच्छा अच्छा और बहुत एक उसी तरह से होता है जैसे आप कहानियों में पढ़ते हैं. कभी कभी थोड़ा लोगों को हिलाना जुलाना चाहिए. बिल्कुल सही. गुड. आइए मैं बाहर आ जाऊं. हाँ, अब आप मेरे पे सर्च खत्म हो गई. हाँ, आप पे सर्च खत्म हो गई. ग्रेट. अच्छा ये माहिरा जी आपके साथ है. मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. आपकी बहुत अच्छी दोस्त है. बहुत ही अच्छी दोस्त है. आपकी कहना चाहिए आपकी स्टार है. अभी पिछले दिनों एक सोशल स्कैम आया है. जी मैं चाहूंगी कि आप माहिरा को उस पर बात करें. माहिरा से माहिरा को देखें. यू आर टॉकिंग टू माहिरा. मुझे सिर्फ ये लगता है कि हम एक तो डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया जो है आई थिंक ह्यूमन सिविलाइजेशन मतलब इंसानी जो वो क्या कहते हैं बनी नौ इंसान जो है ना उसको रिग्रेट करेंगे. यस. और सेलुलर टेक्नोलॉजी को भी रिग्रेट करेंगे. आई थिंक वो जो एक अजीब सी सेंस ऑफ वो बन गई है ना कि हमें हर चीज रिकॉर्ड करनी है. हमें हर वक्त एक आंख रखनी है किसी चीज के ऊपर. आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड थिंग. आप बिल्कुल ये उसी तरह समझे कि आप साथ वाले के घर में हर वक्त झांकना चाहें या आप इर्द गिर्द जो लोग कुछ कर रहे हैं आप उनको ताक झांक करें. ये किस वक्त हमारे एथिक्स इतने लूज हो गए कि हम उसको एक्सेप्ट करने लग गए, राइट. आपसे बगैर पूछे कोई आपकी तस्वीर खींच रहा है क्यों? मैं चाहता हूँ लोग मुझसे इजाजत लें क्योंकि ये मेरी जिंदगी है. और अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आया हूँ, मुझे पता है यहाँ कैमरे ऑन होंगे, लोग मेरी तस्वीर खींच सकते हैं, दिस इज वेयर आई एम रेडी फॉर दिस, राइट. बट अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ या मैं कोई अपना जाती काम कर रहा हूँ, मैं उस वक्त आप ये क्यों समझ लेते हैं कि, और इसमें स्टार होना या नॉन स्टार होने की बात नहीं है. True. ये कोई भी इंसान हो बिल्कुल. उसकी एक आपकी हद खत्म हो जाती है, राइट. आपका उसके दिगे देखे सारे जिसके बियॉन्ड आप उस तक नहीं जा सकते, राइट. वो आपको अल्लाह ताला ने भी आपको वो हक दिया है. बिल्कुल. राइट टू योर प्राइवेसी, राइट टू योर ओन, यू नो. सो आई थिंक एक तो वो मुझे लगता है हम लोग रिग्रेट जरूर करेंगे. हमने बहुत ज्यादा इसको कैजुअली लेना शुरू कर दिया. दूसरा वही बात है, हर इंसान की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उसके प्रोफेशन की वजह से डिफाइन नहीं हो सकती. आपकी जाती जिंदगी में आप जो कुछ करना चाहते हैं उसका आपके पास हक भी है. ठीक है, फाइन. लोगों को लगता है कि हाँ भाई हमने इनको स्टार बनाया और हमने इनको इतना पसंद किया याद बन गया, तो लेकिन उसके बावजूद फिर आप ये तो नहीं सोच सकते कि अब टोटली आप टेक ओवर कर रहे हैं. अगर किसी की जाती जिंदगी में कोई चीज, अगेन अगर कोई ऐसी बात है तो अलल एलान, आई सपोर्ट मायरा. Okay. I totally support Myra. I am with you, Myra, on this. Because I do feel कि उसकी privacy को. ठीक है, लेकिन आपने Myra से बात. हाँ, Myra आपकी privacy को अगर किसी ने इस तरह से invade करने की कोशिश की है, आपका profession एक तो totally define नहीं कर सकता कि आप कौन है. और आपकी personal life आपका right है और आप उसको बिल्कुल बहुत proudly own करें. And I own you very proudly. As a friend, as a colleague. Great. So break ले यहाँ पे. So, sure. अब मैं चाहूंगी कि एक ब्रेक जो है ना वो आप लें. यू एन एक्टर, यू एन होस्ट, सो आप इस शो की ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आप हम वेलकम कहेंगे अपने देखने वालों को. जी आप देख रहे हैं व्हाट इज इट कॉल्ड, फरा का मॉर्निंग शो. जी, नई सुबह विद फरा. नई सुबह विद फरा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद.
خوش آمدید. آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں خوبصورت سے رشتے کو, باپ بیٹے کا تعلق کا رشتہ, اور ایک کامیاب ایکٹر, سیزنڈ ایکٹر جو کہ پرائیڈ آف پرفارمنس ہولڈر ہیں, عرفان کوسٹ صاحب, اور ایک سٹار میکر, ایک سٹار ڈائریکٹر, سرمت کوسٹ. اچھا سر, آپ ڈائننگ اگر ٹیبل پہ آ جائیں, ہم نے کچھ آپ کو ناشتہ کروانا ہے. ہاں جی, اور آئیے. اور ویسے تو ناشتہ بیٹیاں اپنے ہاتھ سے کرواتی ہیں, لیکن آج بیٹا جو ہے وہ آپ کے لیے ناشتہ بنائے گا. لیکن مجھے یہ بتائیں, یہ چیز بھی ہم ابھی تک کیوں نہیں بدل پائے؟ آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے اچھے اور بڑے شیفس کون ہوتے ہیں؟ مرد. اور اس میں مرد عورت کی بات نہیں ہے. مجھے لگتا ہے اب خواتین جہاز بھی چلاتی ہیں, ٹھیک ہے, خواتین کمانڈوز بھی ہیں, خواتین پولیس میں بھی ہیں, رائٹ. ہاں, بس ایسی مجھے لگتا ہے بلا وجہ کی بس یہ کچھ باتیں بن گئی, اور کچھ کام جو ہیں وہ سب کو کرنے چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ کھانا پکانا بہت اچھی بات ہے, مجھے بہت شوق ہے, زبردست شوق سے بناؤں گا. آپ نے کبھی ویسے گھر میں سرمد بنایا؟ بہت اچھا سرمد, بہت اچھا پکاتا ہے, صحیح, اور کھلاتا بھی ہے. کھلاتا بھی ہے, اور خاص طور پر اب کبھی کبھی میرا جو دل چاہتا ہے نا, بڑا اچھا کھانا ہے. ویسے تو بہو میں بیٹیاں میری ساری بڑی اچھی کک ہیں, ٹھیک ہے. میری ماں بہت اچھا پکاتی تھی. اچھا, تو میری ماں جب یہ چھوٹا تھا نا, تو یہ دادی کے ساتھ اور وہ بیٹھ کر پکوایا کرتی تھی, ٹھیک ہے. یہ بیٹھ کر پکوایا کرتی تھی, مطلب مجھے یاد ہے. ہاں, کیونکہ جب میری جو دونوں بہنیں ہیں, جو مجھ سے ایک بڑی اور ایک مجھ سے تھوڑی چھوٹی, وہ ان دونوں کی شادی ہو گئی, تو ایک عید پہ میری دادی بہت ڈپریس تھیں کہ بھائی گھر میں کوئی نہیں ہے اور قورمہ نہیں پکے گا اس دفعہ. یہ بہت, میں نے کہا اچھا دادی مجھے بتا. تو دادی نے بیٹھ کے مجھے کہا اچھا یوں کر, بٹ آئی ڈنٹ نو کہ دادی مجھ سے کوئی تقریباً 10 کلو قورمہ پکوایا انہوں نے. 10 کلو قورمہ, میں شروع کر دوں جو مجھے کرنا ہے؟ ارے سرمت کی میری ایک اور عادت کا اندازہ, سرمت پرفیکشنسٹ ہے تھوڑا سے, کیونکہ چھری میں وہ تھوڑا سا نا یہ لگا ہوا ہے, یہ لگا ہوا ہے. ہاں, اور اگر میں ہوتی نا یہاں پہ تو لیسٹ بادر کرتی چھری پہ کیا لگا ہوا ہے, چھوڑو یار. لیکن سرمت کافی دیر سے سٹرگل کر رہے ہیں کہ یہ اتر جائے کسی طرح سے. میں سوچ رہا تھا کہ وہ جو ہے نا, سو آر یو پرفیکشنسٹ, وہ اتر گیا. آئی تھنک پرفیکشن سے زیادہ مجھے او سی ڈی ہے, مجھے وہم بہت ہوتا ہے کہ وہ پرفیکشن زیادہ مجھے لگتا ہے ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. مجھے چیزوں میں آرگنائزیشن اچھی لگتی ہے, اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ ہیں. سو آئی تھنک اٹ از مور اباؤٹ کہ وہ بس آپ کہیں اڑ جاتا ہے نا دماغ. ٹھیک ہے, اچھا جی, تو اب ہم کیا کرنے لگے؟ انہوں نے رات کو جب مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا پکائیں گے, تو یہ سب سے آسان ایک چیز ہے مجھے پکانی آتی ہے, اینڈ دس از سارٹ آف مائی دادیز ریسیپی آف, وہ اس کو کیا کہتی تھی, کھڑے مسالے کا قیمہ. تو وہ اتنا کھڑا مسالہ تو نہیں ہوگا اس میں, وہ میں تھوڑا سا اس کو میں نے آلٹر کر لیا. سو یہ ایک مکس قیمے کی ریسیپی ہے. واہ, کیا بات, تو بنانا شروع کرتے ہیں ہم, دیکھتے ہیں. مجھے تو حیرت ہے یار, سارا کچھ آپ اتنا اچھا کیسے کر لیتے ہیں. ایک ڈسٹ بن بھی دے دو اسے, کہ سر میں تو ڈسٹ بن بھی ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں نہیں, اچھا اچھا, تو آپ سارا کچھ اتنا اچھا اچھا کیسے کر لیتے ہیں؟ کسی بندے میں کوئی خامی تو ہوتی, کوئی کمی, کوئی کمزوری تو ہوتی ہے نا. تحاشا ہر ایک میں ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. آئی تھنک وہ جو کیا کہتے ہیں, وہ جب فلاز ہیں وہ بھی آپ کی پرسنالٹی کا اتنا ہی حصہ ہے. حصہ ہے, ہاں, جو آپ نے لکھا ہے نا, میں ایک انسان ہوں. ہاں, اور انسان میں غلطی کا گنجائش, غلطی کی گنجائش ہونی بھی چاہیے. مجھے لگتا ہے ہمارے یہاں بہت زیادہ آپ کو آپ کی غلطیوں کے لیے جو پھر کوسا جاتا ہے, یا وہ آپ کو That's very wrong. So that shouldn't happen. اچھا, تو اگر سرمد کو بتانا ہو کہ یار میرے اندر نا یہ یہ ایک something, this is something you'll have to live with. Sorry, I can't change it. Sorry, but... ڈھیٹ ہوں. میں ڈھیٹ ہوں. ڈھیٹ ہوں؟ ہاں, کافی ڈھیٹ ہوں. ڈھیٹ کا مطلب کیا ہوا ہے؟ ڈھیٹ کا مطلب منع کرے گا, رکیں گے نہیں آپ کوئی؟ مطلب ہاں, جب مجھے کچھ کرنا ہوتا ہے پھر مجھے کرنا ہوتا ہے. لائک وہ پھر ہوتا ہے کہ میں اس وقت جو ہے وہ کافی ڈھیٹ سا ہو جاتا ہوں. اچھا. I don't think that's a great quality. آپ کو, میں یہ نہیں کہ لوگوں کی بات نہیں سنتا, لیکن اگر میں اڑنے پہ آؤں تو پھر میں اڑ جاتا ہوں, سٹبرن ہوں. بالکل صحیح. کین آئی ہیلپ ود یو, تاکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ تیز 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 ہم کرتے رہیں. یہ پیاز میں کاٹتی ہوں, آپ انہیں ڈالیں. جتنے آپ نے کاٹ لیے وہ تو بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے مجھے اچھا لگے گا, مزہ آئے گا. نہیں نہیں, بالکل, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سب نے, انہوں نے ساری چیزیں نا ہمارے پہ چھوڑ دی. ہاں, تو ظاہر ہے انہوں نے یہ مزہ لینا نا کہ سرمد دی سٹار ڈائریکٹر آج قیمہ کیسے بناتے ہیں اور قیمہ کیسا آج ہے. اچھا, ویسے میں سوچ رہی تھی جب کچن کا ہم نے سوچا نا, تو میں نے کہا سرمد کوئی آسان سی چیز پک کریں گے کہ یہ وہ دو چار چیزیں مکس کر کے اوپر میں ایک ڈریسنگ ڈال دوں گا تو یہ سیلڈ تیار ہو جائے گا. بٹ آئی واز سرپرائز کہ آپ نے یہ کھڑے مسالے کا قیمہ. اچھا, آئی تھاٹ دے وانٹڈ می ٹو کک سم تھنگ, تو میں نے تو اسی لیے پھر بولا کہ نہیں, مجھے کک کرنا چاہیے. واہ بھائی واہ, لڑکا پورا سلیقہ مند ہے. یہ ایسے لہسن چھیلنا یہ تو کسی کے بس کی بات ہو ہی نہیں سکتی بھائی. واہ واہ واہ, یہ تو ایسا ٹوٹکا ہے لہسن چھیلنے کا جو
बहुत सारी लड़कियों को नहीं पता होता। हाँ देखिए फिर वही बात की, मसला हो गया है बस। मतलब वो जो आएगी बेचारी वो ना इतनी सलीकामंद हुई तो क्या बनेगा, इसीलिए लेट है। ये आजकल की लड़कियों को तो नहीं आता भाई ये सब कुछ, वो तो कहती नहीं, वो आई थिंक इंटरेस्ट होना चाहिए आपका, आई एम श्योर उनको कोई और काम आते होंगे, तो अगर ये ना आता हो चल जाएगा फिर। मैटर या अच्छा मैं खुद इसीलिए मैं तो बिल्कुल कायल नहीं हूँ कि आप खाने पीने के लिए किसी पर डिपेंड करें। अच्छा आपको खुद का फील होना चाहिए, मतलब आप खुद कर लें। या अच्छा आप सोच रहे हैं हमने लहसुन बगैर छीले रखे हुए हैं और शर्मा ने 2 मिनट के अंदर पूरी लहसुन की वो जो पोथी होती है ना पूरी की पूरी छील ली है और बगैर किसी हेल्प के और बगैर कुछ उफ अफ किए, कोई मेड नहीं चाहिए है, इधर आओ लहसुन छील दो तो मुझे अदरक वो जो है वो साफ कर दो, क्या बात है क्या बात है। सो व्हेन यू लर्न दिस आर्ट नथिंग आई थिंक वो इंटरेस्ट होता है कि आप जी मुझे इंटरेस्ट था आई थिंक बचपन से तो बस फिर मैं इसीलिए गुड करता रहा। चले बाकी के मसाले मुझे आपने हुक्म करना है तो मैं थोड़ी देर आई थिंक अगर आप गपशप लगाएंगे अब्बा से या कुछ तो मैं उतनी देर कुछ चीजें प्रिपेयर कर लूंगा। अच्छा ये इधर कुछ वही हो रहा है कि मेरा ओसीडी मुझे तंग कर रहा है। ठीक है चीजों को कुछ थोड़ा गंद वंद भी समेट के हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए ना, हर चीज नॉर्मल होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। दिस इज लाइक द बेसिक अभी जो मतलब हम कर रहे हैं। ठीक है प्याज है और लहसुन है। ठीक है ये मैं करूंगी, ये मैं आपको करके देती हूँ, आप उतनी देर में ना इसको वो करना शुरू करें, फ्राई करना है या तेल डालना है या जो कुछ भी करना है। ये पूरी की पूरी चाहिए आपको? अच्छा सर कितने खुश खुराक वाकई हुए हैं आप और सरमद? सरमद को देख के तो नहीं लगता है, तो लगता है डाइट वाइट के चक्कर में रहता होगा। सरमद मेरे जैसा खुश खुराक नहीं। अच्छा मैं बहुत खुश खुराक रहा हूँ, अभी भी है, अब जरा परहेज करता हूँ। अच्छा परहेज इसलिए करता हूँ कि आज तक ये देखने में आया कि लोग खा खा के मर जाते तो अब जरा थोड़ा सा ये है कि एक कोटा मुकर्रर कर लिया है कि कितना खाना है। हाँ और इतना क्या ही खाना है? उतना ही खाना है, क्योंकि ये जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसे अपनी खुराक कम करते जाना चाहिए। ठीक है तो मैं उसको लिए अच्छा सर बहुत सारे लोग जो है ना वो उम्र के इस हिस्से तक आते आते खासे नाखुश हो चुके होते हैं, मतलब वो कहते हैं उफ चला नहीं जाता, यहाँ दर्द होती है, ये मसला हो गया है, या फिर वो एक नाखुशी होती है, कहते हैं बस चलो अब तो इंशा जी उठो अब कूच करो। देखो जी कूच तो जब करना है जब लिखा हुआ जी जब, लेकिन वो दिल छोड़ बैठते हैं ना। नहीं दिल नहीं छोड़ना चाहिए, लाइफ नहीं होती उनके अंदर, लाइफ रखनी चाहिए। कैसे? क्योंकि ये आने वाला जो आने और जाने वाला सांस जो है हम एक सांस छोड़ते हैं तो दूसरा आता है। बिल्कुल। और ये एक मुझे वाकया याद है कि वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, मैं गांव गया हुआ था। अच्छा तो मैं ऐसे जल्दी में सीढ़ियां चढ़कर जब ऊपर पहुंचा तो वहां हमारे एक बुजुर्ग थे तो उन्होंने कहा आराम न पौड़ियां चढ़िया कर। अच्छा मैंने कहा जी खैर है, मैं कह मैं आराम ना ली आया हूँ। कहेंगे देखो गल ये है मैं अब उन्हीं की जबान में आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि ये सच्ची बात है और ये उनका अपना अपनी एक वो ये किसी किताबी किताब विताब नहीं उन्होंने पढ़ी होगी लेकिन फलसफा हयात जो है वो उन्होंने खुद एक अपनी जहनी इख्तरा थी उनकी। ठीक है तो मुझे कहेंगे कि ये साल और उम्र जो है ये कोई चीज नहीं होती। अच्छा अल्लाह ताला ने हर इंसान को सांस जो है ना उनकी एक क्वांटिटी है। ठीक है कि इतने सांस क्योंकि सांस खत्म होता है तो बंदा खत्म हो जाता है। ठीक है तो उन्होंने कहा जो सांस अल्लाह ने तुम्हें अता किए हैं उनको आराम से लो, उनको आराम से लो। वाह 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 क्या बात। तो फिर तो सर फिर जिंदगी में मेरा हालांकि कभी आपने एक्सरसाइज नहीं की होगी उसमें तो मतलब बहुत तेज नहीं वो देखो वो तो बेटरमेंट है ना हेल्थ के लिए। ठीक है वो एक्सरसाइज और चीज है लेकिन हम ऐसे बिला वजह दौड़ते हैं। ठीक है बिला वजह हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो हम एक्शन और रिएक्शन की जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है कि वो हर चीज जो उनका जो एक्शन होता है वो हर एक्शन ऐसे इंतहाई तश्वीशनाक होता है। ठीक है
तो जो सुनने वाला होता है उसका रिएक्शन जो होता है वो उससे ज्यादा तश्वीशनाक होता है, जबकि बात कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमें जिंदगी बड़े सुकून से गुजारनी है। बेला वजह दौड़ने भागने से कामयाबी कोई जरूरी नहीं है कि मिल जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके लिए स्ट्रगल करते रहें आप। बिल्कुल ठीक है, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। ठीक है। अच्छा, बचपन में ये सरमत जो है, जिद्दी, शरारती, मासूम, जरा खिलाड़ी, जरा शिकायतें, जिस बच्चे की बहुत ज्यादा मोहल्ले से आती हैं, किस टाइप का बच्चा थी? मैं देखें जी, मसला ये होता है, एक तालीम है, दूसरा काम, दूसरा जो लफ्ज है वो उस तालीम, उसके बगैर पूरी नहीं होती, वो तरबियत है। ठीक है, तो इनकी तरबियत ऐसी हुई है कि मुझे एक बेटे से, दो बेटों से अब शिकायत मुझे होती हैं, और वो भी अब समझदार हो गए हैं तो उनकी शिकायतें कम हो गई हैं। अच्छा, मतलब सरमद ने, मैं नहीं समझता कि आज तक किसी के साथ लड़ाई की, किसी भी बच्चे के साथ स्कूल में कभी किसी का कॉलर पकड़ लिया हो, कभी सर फटा हो, नहीं कोई निशान। इससे छोटा जो है उसकी बहुत शिकायतें हल करते हैं। अच्छा, तो तरबियत का क्रेडिट किसको देंगे आप? इनकी माँ को और अपनी माँ को। अच्छा। हाँ, इनकी माँ ज्यादा देर इनके सर पर नहीं रही, लेकिन जितनी देर रही उसने बड़ी अच्छी तरबियत की। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने अपनी माँ इनको दे दी। आपने अपनी माँ इनको दे दी? हाँ। अच्छा, फिर इनकी दादी ने इनकी तरबियत। अरे, कितने मतलब अरसे पहले हम ये देख पा रहे हैं सरमत की वालदा को। हाँ जी, ये न्यूज कास्टर भी थी। ठीक है, तो सर आपकी लव मैरिज थी? है? लव मैरिज थी जी। हाँ, पसंद की? और धड़ल्ले वाली पसंद की के घर वालों से लड़के? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, तो फिर पसंद की। अच्छा, तो फिर मतलब ये सरमत कितने साल के थे जब ये? Sorry, मैंने किचन में एक डिजास्टर क्रिएट कर दिया, बिकॉज आपने इतनी तेजी से सारा कुछ किया, मैं इम्प्रेस हो गई हूं भाई। नो, द ओनली अलमिया बीइंग के वो कीमा जो है वो फ्रोजन था, तो इसलिए मैं उसको कुछ कर नहीं पाया। अच्छा, होता फरा ये होता है कि जब बच्ची कोई काम काज करने वाली हो तो लोग जब रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई ये क्या क्या कर लेती है। तो उस बच्ची का या जो बेटे वालों की डिमांड होती है कि बच्ची हो सलीका मंद। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा बड़ा सलीका मंद है भाई। मैं कह रही हूँ कि मैं इम्प्रेस। ये मैंने भी अदरक ऐसे नहीं काटी है जैसे ये नहीं, वो तो उसके बोर्ड पे ही काटते हैं, वो एक्चुअली सरफेस कम है तो मैं इसलिए। नहीं नहीं, कितनी बारीकी से, नफासत से, सलीके से, डेलिकेसी से वो सारा कुछ जो है वो चल रहा है। वाह भाई वाह, मुझे ये तो पता ही नहीं था। आई न्यू क्या आप कुकिंग करते हैं, मगर मेरा ख्याल था ऐसे ही कोई मतलब कर लेते हैं। कढ़ाई गोश्त बना लेते होंगे लोग, कर लेते हैं डाल के मसाले। वैसे ये कढ़ाई गोश्त टाइप ही है, मतलब ये उतना ही आसान है कीमा। हाँ, लेकिन ये आप जितनी निटी ग्रिटी से उसको साफ कर रहे हैं, जितनी तफसील ना आप उसमें जा रहे हैं। और तो सर, जो खाना पकाता है उस खाने के नैन नक्श बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा, वाह। अच्छा खाना, मजेदार खाना खुश शक्ल भी होता है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने सही कहा। उसका जायका, उसका रंग, उसकी खुशबू जो है वो बड़ी कमाल होती है भाई। सरमद, ये तो इतने जो ख्वातीन हर रोज घर में काम कर रही होती हैं वो भी नहीं ऐसे करती हैं। आप शेफ भी लग रहे हैं मुझे कहीं कहीं से पूरे। अच्छा, इसको शौक है शेफ बनने का? हाँ, अगर ये एक्टर ना होता ना तो मे भी ये शेफ होता। वाकई? ओ, ये कहता था और प्रोफेशनली कहता था मैंने शेफ बन। ये वाकई बचपन में शेफ? अच्छा, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई फौजी, कोई? डॉक्टर बनने का मुझे बहुत शौक था, लेकिन आई थिंक शेफ मेरा अभी भी पैशन है। पैशन है, आई थिंक एट सम पॉइंट मुझे शेफ भी बनना है। नहीं, सर्टिफिकेशन नहीं है, मगर आपके काम तो माशाल्लाह सारे शेफ जैसे हैं। आपकी वो जो तफसील है चीज़ों की वो तो वही है। मे बी क्वालिफिकेशंस ना हो उस तरह से, मगर ज़बरदस्त भाई। अच्छा, तो सर जब फर्ज किया आप रिश्ता लेके जाएंगे सरमत का, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपने बेटे को लोगों को कि मतलब वो क्या है? ज़्यादा अब डिटेल बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लोग जानते हैं सरमत क्या है, क्या करता है, और आज ये खूबी भी इसकी लोगों तक पहुँच गई है। तो बाकी जब वक्त लिखा होगा, हाँ जी, तो तब ये काम हो जाएगा और सरमद अपनी भी पसंद करेगा।
سرمد اپنی بیوی خود پسند پسند کرے گا اور مجھے وہ تسلیم ہوگی, آپ کو قبول ہوگی. قبول یہ آپ کو پہلے سے پتا ہے یا آپ دونوں نے آپس میں طے کیا ہوا ہے؟ نہیں نہیں آپ کو پتا ہے. ہاں میرے دونوں بیٹے اور چھوٹے ہیں وہ شادی شدہ ہیں, یہ واحد اونلی بیچ میں بیچلر. انہوں نے بھی اپنی پسند بتائی تو میں وہ باپ نہیں ہوں کہ نہیں یہ شادی نہیں ہو سکتی. اچھا میں نے کہا بھائی اب اگر تمہیں پسند ہے تو بیٹا شادی تم لوگوں نے کرنی ہے, میں تو نہیں انہوں اور کرنے دوں گا. ٹھیک ہے تو وہ تمہیں جو پسند ہے مجھے بھی وہی پسند ہے. تو الحمدللہ وہ بچے دونوں جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں اور میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت خوش ہوں کیونکہ میری جو بیٹیاں وہ تو اپنے اپنے گھروں کی ہو گئی ہیں, ایک رہ گئی ہے بس چھوٹی. تو بہویں جو میری ہیں میں نے ان کو بہو نہیں سمجھا, میری بیٹیاں ہیں. اچھا یہ آپ کے ہمارے سامنے آپ کی بہو اور بیٹیاں بھی ہم دیکھ پا رہے ہیں. ہاں جی یہ درمیان والی میری بیٹی ہے اور یہ دونوں دائیں بائیں جو ہیں یہ میری بہو ہیں. صحیح. اچھا سر کبھی آپ نے فرق کیا تھا بچپن میں کہ بیٹیاں اور بیٹوں میں, کہ بیٹے ہیں تو بیٹیاں ہیں تو؟ نیور. سر میں آپ بتائیں. نو ابھی ہمارے گھر میں یہ ماحول بالکل بھی نہیں تھا. اچھا بالکل نہیں تھا, امی کی طرف سے بھی نہیں تھا, ابا کی طرف سے بھی نہیں. مطلب وہ والی چیزیں جو ہوتی ہیں جو عام طور پہ ایک دکیانوسیت ہوتی ہے وہ نہیں تھی. نہیں تھی, لڑکا لڑکی دونوں برابر تھے. ہاں اور اس میں بھی وہ والے مسائل نہیں تھے وہ جو عام طور پہ ہوتے ہیں, اچھا بھی کون کیا پہن رہا ہے اور کچھ کے پہننے کی وجہ سے اس کا کردار کیسا ہو جائے گا اور کون کیا, بس کچھ بنیادی لیکن انڈائریکٹلی جو گھر میں رولس تھے انسیٹ. میری دادی بہت اسٹرکٹ تھیں. اچھا. بہت اسٹرکٹ تھیں مطلب لیکن اس طرح سے نہیں, لیکن وہ ڈسپلن کے معاملے میں بہت اسٹرکٹ تھیں. ٹھیک ہے تو کچھ چیزیں ایسی, کیا فرق پڑتا ہے سر مت جو بچے دادی کے ساتھ رہتے ہیں ان کا بچپن گزرتا ہے تو اس میں کیا فرق ہوتا ہے ان بچوں کی نسبت جو کہ الگ فیملی میں رہتے ہیں, بزرگوں کا سایہ نہیں انہیں ملتا؟ ہمارے تو اس کیس میں یہ تھا کہ دادی سارٹ آف ریپلیسڈ امی, کیونکہ امی بیمار تھیں تو پہلی جو بڑی بہنیں ہیں پہلے وہ اس طرح سے اس رول میں رہیں. ٹھیک ہے پھر دادی, سو وہ دادی کو ہم نے کبھی دادی نہیں, وہ آئی تھنک وہ زیادہ ہمارا ان کے ساتھ وہ مدر والا ہی رہا, ریلیشن رہا. بالکل صحیح. بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ڈونٹ نو, میں پھر تھوڑی سی وہی بات شاید فرق ہو بٹ مجھے لگتا ہے کہ نہیں رشتے بس وہ اچھے ہوتے ہیں جو آپ کو اسپیس بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے مطلب جس طرح میں بچپن میں پلا بڑا تو ہوں ان اے جوائنٹ فیملی بٹ آئی ڈونٹ تھنک جوائنٹ فیملی از اے گریٹ آئیڈیا. یو ڈونٹ لائک اٹ؟ یو ڈونٹ اپروو اٹ؟ نو. وجہ؟ بیکاز آئی تھنک کہ اچھا ہوتا ہے بس وہ اگر کسی کی ضرورت ہے یا مجبوری ہے تو دیٹس ون تھنگ. ٹھیک ہے بٹ ویسے لوگوں کو ایک اسپیس ملنی چاہیے. بالکل ٹھیک ایک دوسرے سے. بالکل صحیح. یہ آپ منٹوں کے بعد اتنے جیسے کہتے ہیں لبرل لوگ ہیں. لبرل کی بات نہیں بتائیے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں نا ہم لوگ خاموشی سے اس تکلیف سے گزرتے رہتے ہیں اور اس کو کوئی ٹھیک نہیں کرتا رائٹ. اور آپ اسلام کا یا مذہب کا آپ نے وہ جو آپ کا مذہب خود ایک سنگل فیملی یونٹ کو بہت پروموٹ کرتا ہے. اس کا ہے ہی یونٹ سنگل پرائیویسی جو ہے جی ٹماٹر اس میں جا سکتے ہیں. بالکل میں اس لیے کیونکہ ہم نے بریک پہ جانا ہے تو جو آپ نے ڈالنا ہے اب اس میں مزید ایڈ کر دیں. ٹماٹر ڈال دیجئے. صرف ٹماٹر جی ناٹ ادرک؟ وہ ادرک میں ڈال دیے باقی اس کے لیے تیاری کے لیے. وہ ایک دم کے وقت اس کے اندر کچھ چیزیں جاتی ہیں. سو ہم نے رکھ دیا ہے جتنی دیر میں آپ بریک انجوائے کریں گے ہم یہاں پہ اس کو دم دیں گے اور اس کے بعد ہمارا کھڑا مسالے کا قیمہ جو ہے وہ تیار ہوگا اور ہم اسے ٹرائی کریں گے گپ شپ کریں گے. لیکن ابھی بہت کچھ اور ایسا ہم نے ڈسکور کرنا ہے سرمد میں سے جو آپ کو انٹرسٹ کرے گا ساتھ ہی. شامدید اور میں امپریس ہوں جو خوشبو. آپ لوگ امپریس ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ہم سفر کا سٹار ڈائریکٹر جو ہے وہ اتنا اچھا کھانا بناتا ہوگا؟ بھائی جیسے نمک ڈال رہا ہے اسی بات اسی کا ہی جواب نہیں ہے. آپ لوگ کو مس کر رہے ہیں, کیمرہ مس کر رہا ہے ان چیزوں کو. وہ جیسے ایسے ایسے کر کے نمک ڈال رہا ہے. لوگ ایسے نمک ہی نہیں ڈالتے ہیں, ہم لوگ تو ایسے کر کے آج کل ایون شیف بھی آئے نا سرمت کہتے ہیں ایک چمچ اتنا سا نہیں پکاتے. اور وہ جو لوگوں کے ہاتھ کا ذائقہ ہوتا ہے میں خیال ہے وہ گند مند جو ہاتھوں میں لگا ہوتا ہے وہ اس کا ہی ہوتا ہے جس کے اندر جا رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا جب اتنا اچھا آپ سارا کچھ کر لیتے ہیں تو ویسے ہم نے تو ارینج کیا لیکن آپ نے ایک روٹی بھی بنانی. روٹی بنانی؟ اچھا روٹی از سم تھنگ جو مجھے ویسے نہیں آتی
लेकिन रोटी हम ट्राई करते, तो मैंने कुकिंग शो किया था, ठीक है, उसमें मैंने रोटी बनाने की कोशिश की थी, आई कैन ट्राई, ओके, सो यू कैन, आई एम नॉट श्योर बट आई कैन ट्राई, सही, इसको जब हमें देखना होगा, उसमें टमाटर जो है वो मैं उसमें चम्मच हिलाती रही, क्योंकि अब इसके अंदर से इसको चम्मच वाला काम मैं बहुत अच्छा कर लेती हूं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अच्छा ये चूल्हा कैसे जलेगा, फिर जलाओ चूल्हा, जला दो ये बड़े वाला, गुड थैंक यू। मैं खाली छोटी ट्राई करते हैं, उसका जरा सक्सेस का रेट ज्यादा होगा। आज हमने आप ही के हाथ की बनी हुई रोटियां खानी, सो इसलिए आप बस देख लेंगे कीमा इतना अच्छा बना है तो रोटियां कुछ उससे मैच करती होनी चाहिए। अच्छा वैसे घर में आप खुद कभी अपने लिए बनाते हैं खाना? जी जी खुद ही बनाता हूँ मैं अपने लिए, मतलब रात को थके हुए घर आए हैं शूट से और कुछ भी बाजार भी बंद है, कुछ खाने को भी अवेलेबल नहीं है, तो व्हाट विल यू डू, खाना बनाने खड़े होंगे? नहीं नहीं कुछ, लेकिन मैं वेरी लो मेंटेनेंस, मैं मतलब बहुत ज्यादा उसमें नहीं पड़ता कि आपको रोटी जरूर खानी है, आपको कुछ भी ब्रेड भी चावल कुछ भी, और मुझे लगता है हमारे यहाँ वो ही आप एक्सपेरिमेंट्स कम करते हैं खाने के साथ। अच्छा ये रोटी वाला जो है ना, ये इसको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन इससे नहीं हम रखेंगे, ठीक है। कितनी दफा रोटी बनाई हुई है जिंदगी में? बहुत कम, ठीक है। रोटी नहीं आती मुझे, रोटी नहीं आती, नहीं चावल आते हैं, रोटी जो है ना आई कैन ट्राई, ठीक है। आई थिंक ये कुछ बहुत ज्यादा शायद वो चिपकने लग गई है, मैं चले इसमें आप मुझे कुछ बिल्कुल अपनी टिप्स बताएं कि ज्यादा होना चाहिए, हाँ ये थोड़ा ज्यादा डाल, ज्यादा होता है, कोई टिप नहीं, बस इसको ज्यादा आपने चिपकाना नहीं है, चिपकाना नहीं है, आई थिंक इसको हम थोड़ा सा कम कर दें, नहीं ये तेज हो रहा है, ये तेज होगा, ज्यादा तेज होगा, हाँ तो अभी तो तवा गरम होगा तो रोटी अच्छी बनेगी, ओके, हाँ हम जल्दी जल्दी रोटियां भी बना लेते हैं। अच्छा फर्ज किया जब शादी करेंगे तो बीवी के साथ खड़े होकर किचन में काम करेंगे? मुझे ये वैसे यकीन नहीं कि मैं किचन में किसी को घुसने दूंगा, पहले मुझे खुद मैं बहुत टेरिटोरियल हूँ अपने किचन के बारे में। अच्छा जहां तक मुझे पता है ना, एक ये वाली चीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ यस यस इट इज, सो अब इसको ज्यादा थोड़ा सा और बड़ा करना जरूरी है हमारे लिए, थप्पड़ पड़ने चाहिए, हाँ, इसको ज्यादा थप्पड़ पड़ने चाहिए। सी ये जो एक चीज थी, So, अच्छा वाकई आप नहीं आने देंगे, आप कहेंगे बेगम आप बैठो, नहीं नहीं जिसका देखिए वो भी, अगर इंसान को उतना जिंदगी में डेफिनेटली आपके पास वो होना चाहिए कुशादगी दिल की दिमाग की, यहाँ पे आप लोगों को वो करने दें, जिसका दिल चाहता है वो करे, जिसका जो दिल चाहता है वो ना करे, बिल्कुल। अच्छा ये कुछ आई थिंक दिस नीड्स मोर वो थप्पड़, थप्पड़ हाँ ठीक है, मेरी और आपकी रोटी का मुकाबला हो रहा है, अब आई एम लूजिंग दिस, आई एम सो लूजिंग दिस, बिकॉज़ मैंने आपको बोला था रोटी मुझे नहीं आती। अच्छा नहीं आपकी ठीक बन रही है, हां यू डोंट हैव टू, इसकी शक्ल जो है वो कुछ बेहतर करने की चांसेस है, आई थिंक सो, बस आप इसे हाथ में उठा लेना, बस बाकी टेढ़ी मेढ़ी, हां बाकी का काम हाथों से लें, ये वही जो मैं कर रहा। अच्छा कितने सख्त मिजाज थे सर आप बचपन में, डांट डपट मारपीट कुछ? ये खड़ा है आपके पास यही बताएगा कि नो सर, मैं दब्बा से कभी थप्पड़ पड़ा है? माँ जो होती है वो जन्नत है उसके पैरों के नीचे, तो बाप उस जन्नत में एसी की हैसियत रखता है, बाप उस जन्नत में एसी की हैसियत रखता है, क्या बात। तो कभी कभी बाप का कंप्रेसर जो है हाँ, वो गर्म, तो गर्म हो जाता है। तो वो लेकिन ऐसा गर्म नहीं होता कि औलाद औलाद ना लगे, तो वो बस इसको अब आप ऐसे ऐसे करें हाथ पे, ओह ओके, हाँ दिस वन यू कैन, हाँ अब हाँ ये खुले खुले हाथ से, खुला हाँ जोर जोर से, ट्रीट हिम ट्रीटेड एज योर एक्टर, हाँ जोर जोर, फिर तो बहुत एक्टर्स के साथ काफी लीनियंट होता है। Really? Mostly. कोई स्ट्रिक्ट नहीं होते आप, कोई शाउटिंग नहीं होती, कोई वो नहीं होता कि ये ऐसे नहीं होगा। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये रोटी वाला जो काम है ना, ये अभी तक मैंने ये थोड़ा सा अच्छा, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाली चीज है, इसको ऐसे यार वो जल ना जाए, नहीं जलता नहीं जलता, अब रोटी नहीं वो बन रहा है, बहुत शुगर जो रोट होता है ना, नहीं यार जबरदस्त किनारे मोटे नहीं होने चाहिए, हाँ वो हो गए, अच्छी रोटी बन रही है, अब इस रोटी को सेंकेंगे भी आप खुद ना, हाँ वो तो
देखें कितनी अच्छी रोटी बना ली भाई सलमान ने, मुझे यकीन है Not bad. मुझे यकीन है हमारे यहाँ बैठी हुई बहुत सारी जो प्यारी प्यारी बच्ची हैं, उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं किसी ने काम किए, कुकिंग करती हैं, कौन ये क्लेम कर सकता है हाँ कि वो सरमत से अच्छी कुकिंग कर सकता है? नहीं, ये तो I'm sure बहुत सारे लोग कर सकते हैं, मैं सिर्फ कर लेता हूँ। हार जाएंगे, मैं तो कोई क्लेम नहीं कर रहा। चलें, रोटी सेक तो गई है, थोड़ी सी ज्यादा सेक गई है, लेकिन चलें हम ये भी डाल देते हैं। सरमत आ जाइए, बाकी के मामला जो है हमारी टीम यहाँ पे देखेगी। आई जस्ट नीड टू पुट सम वो जो है ना चीजें, हाँ उसके अंदर अभी जाएगी। ठीक है, सो अभी ये गार्निश पे रहता है। वाह भाई वाह, आप तो हमें वाकई कोई बड़ा ही जबरदस्त किस्म का नाश्ता जो है वो करवाने वाले। अच्छा सर, किन चीजों पे अमूमन सरमत की साथ थोड़ा सा होता है ना बाप बेटे का थोड़ा सा बाजू का टकराव हो जाता है? वो बस ये जब ओवर एग्जर्शन करता है ना, जरूरत से ज्यादा मेहनत करता है, मेहनत करता है, तो मैं इसको यही समझाता हूँ कि बेटा हर काम का एक स्केड्यूल होता है। ठीक है, तो तुम इतनी एग्जर्शन ना किया करो कि अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाओ, बुखार हो जाए, कुछ हो जाए। तो अच्छा, आपने कभी ताना वो जिंदगी में नहीं दिया कि कुछ करो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, वो देखो वो कहाँ पहुंच गया? क्योंकि शर्म भी आती है और ये काम भी करता, तो मैं कहूँ क्या कभी इस तरह से वो नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। मैं आज तक, और मेरी ये नहीं कि सरमद के साथ नहीं हुई, मेरी अपने बच्चों के साथ कभी ऐसी गुफ्तगु नहीं होती। तो आप इन्हें किस तरह के फादर, किस तरह के वालिद थे वो, जो एक बहुत ही लीनियंट, बहुत ही नरम मिजाज? नहीं, उसूल पसंद। अच्छा, हाँ, अब्बा का कोई वो टैका होता था, कोई डर होता था कि यार अब्बा के सामने ये नहीं करना, कभी सिगरेट लगाई हो दोस्तों? मैं तो अगर जब ये पीता था तो छोड़ गया। अच्छा, आपको पता था ये पीता है? हाँ, तो मैं कहता था यार मेरे कोल बह के पी ले, अगर बाहर जो उधर उधर हो के पिएगा तो वो पता तो मुझे लग जाता। ठीक है, क्यों कि पेरेंट्स को हम भूल जाते हैं कि जब बच्चा पहली दफा सिगरेट पीकर घर आता है तो पेरेंट्स को पता लग जाता है। लग जाता है। हाँ, मेरी माँ, वो जब मैं जाया करता था, इजाजत लिया करता था, तो वो मेरे हाथ चूमा करती थी। ठीक है, तो वो मैं कहता था कि माँ मेरा बजाय माथा चूमे या वैसे करे तो ये हाथ क्यों चूमती है? ठीक है, पता ये लगा कि वो स्मेल उसको पता थी कि सिगरेट की आ रही है। वाह क्या बात है। और वो बस मुझे समझाती थी कि बेटा कम अब्बल तो ना ही पी, तो मैं कह देता ठीक है। ठीक है, लेकिन तो आपको लगता है कि बच्चों को जरा खींच के रखना चाहिए? नहीं, खींचने से जिसने बिगड़ना है वो बिगड़ जाएगा। अच्छा, और वो रिएक्शन में बिगड़ेगा। सही, हमारी जिंदगी में एक्शन और रिएक्शन ही है एक्टरों में। ठीक है, बल्कि हर इंसान की जिंदगी में किसी बच्चे को किसी चीज से बहुत रोका जाए ना, वो अट्रैक्ट कर होता हो फिर उस तरफ ही। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, निकाल ले। वो इट नीड्स अ लिटिल बिट टाइम, लिटिल बिट टाइम। अच्छा, फिर आ जाए आप यहाँ पे, जब तक आप थोड़ा सा टाइम जो है। वैसे अमूमन जब आप लोग डाइनिंग टेबल पे कितनी दफा इकट्ठे होते हैं सब लोग? अब तो कभी कभी, काफी कम। उधर आएंगे सर मैं। अच्छा, बहुत कम कम, क्योंकि इसकी अपनी मसरूफियात हैं, मेरी अपनी है, तो मैं तो। और आज एक और बात मैं बता रहा हूँ, लोग गिला कर लेते हैं, जी सरमद को फोन किया, सरमद ने फोन अटेंड नहीं किया। मैं फिर उनको बताता हूँ कि भाई मुझे इस बात की समझ है, मैं फोन करता हूँ तो अगर ये अटेंड नहीं करता मैं बंद कर देता हूँ। तो ये फिर बाद में जब इसे टाइम मिलता है तो ये फिर रिप्लाई करता है। अच्छा, तो मैंने कभी नहीं कहा यार तू मेरा फोन नहीं सोया है, एक ही करने प्रोटेक्ट कर रहे हैं एज अ फादर, ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन के मैंने प्रोटेक्ट क्यों करना है। मैंने प्रोटेक्ट नहीं करना, वो समझते हैं ना इस फील्ड को, कि वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को गिला ना हो, क्योंकि तुमसे बहुत से गिले हैं लोगों। वाकई? हाँ हाँ, वो कहते हैं वो जी फोन करो जी वो सुनता नहीं। सच है, बड़ी जिन लोगों के बेस्ट फ्रेंड है वो तो जान देते हैं इन पे, वो तो कहते हैं बस ये भी देता है, ये भी देता है सरमत। अच्छा जी, चलिए हमने आपके लिए एक रखा है चक्कर, ठीक है, एक मजीद चक्कर, चक्कर पे चक्कर ना,
और ये चक्कर जरा सा वो है जो हर घर में होता है, जब लड़का जवान हो या लड़की जवान हो तो उसे कहते हैं भाई अगर डेट करना हो, आपने पसंद करना हो, तो इन में से, इन खूबसूरत पाकिस्तान की एक्ट्रेसेस में से किस को आप डेट करना पसंद करेंगे? देख पा रहे आप भी साथ देखिएगा, सिर्फ मैंने अपने प्रोफेशन के अंदर ही क्यों? चलें फिलहाल हम ढूंढ लेंगे ना कि अच्छा इससे मिलती जुलती होगी जब आप डेट करेंगे। अच्छा मैं बहुत ऑकवर्ड इसलिए फील कर रहा हूँ क्योंकि ये सब जो है, एक तो आई थिंक दीज पीपल आर मच मच यंगर देन मी, सबके साथ मैंने काम किया, सुहाय के साथ अभी काम नहीं किया, आई थिंक नीलम इज अ ब्रिलियंट एक्टर एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल, बट डेट करने की बात है। Who would you like to go out with, have some time together, or maybe you can think of some... It's up to them also. Huh? Yeah, definitely. But for now, you can ask them. Out of these two, if I have to pick, I'll pick Neelam. Yeah. You'll pick Neelam? Yeah. Okay. So Neelam will stay here. Neelam is there. Now, you have the option that you have, you can consider Sara. Sara is almost like that she's a... She's my bhabhi. I think that would be very odd. Jairoz se bhi bahut dosti hai, Jairoz is sweetheart. But Sara, main bhi utaru, ye to bahut chote bacche hain, mujhse to bahut chote hain. Koi baat nahi hai. Ye zehni taur par babba hai. Achha. Aur ek aur shauk jo hai ise padhane ka bahut shauk hai. Achha. To wo ab bhi wo shauk اتنی مصروفیت کے باوجود یہ پورا کرتا ہے۔ کیسے، کس کو پڑھاتے ہیں؟ مطلب یہ جاتا ہے کالجز یونیورسٹیز میں لیکچر کے لیے۔ اچھا تو میں نے ایک دفعہ ایسے ہی میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار وہ بات سن، تو پڑھانے جاتا ہے کالجز میں، وہاں اچھی اچھی بچیاں ہوتی ہیں، تجھے دل کی بات کی میری بھی سیریسلی، تو وہ میں نے کہا تجھے کوئی پسند ہو بیٹا تو تو مجھے بتا، میں باقاعدہ جیسے رسم ہے، ہاں ہاں، اور الحمدللہ میں نے کہا کہ تو پسند کر لے، باقی رشتہ لانا میرا کام ہے۔ واہ کیا بات۔ وہ اس لیے کہ میرے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی جہاں میں جاؤں گا، کہ جو میں ہوں، جو میں نے زندگی جس طرح سے گزاری ہے، تو وہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ تو میں نے کہا ان بچیوں کو تم تیرے سے، تو میں نے کہا ابھی جب اس نے ریسنٹلی اپنا ایم ایس سی کیا تھا اور ٹاپ کیا تھا اور 3 میڈل لیے تھے، اس کے بعد فوراً یہ پڑھانا شروع کیا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنے لگا جی یہ کیا بات کی آپ؟ میں نے کہا میں نے کوئی بری بات تو نہیں کی بیٹا، ایک باپ کی حیثیت سے میں نے تیرے ساتھ بات کی ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں نے کہا وہ بچیوں کا تیرا سال 2 سال کا فرق ہوگا تو وہ تجھے سوٹ کریں گی؟ کہنے لگا کہ نہیں وہ میری اسٹوڈینٹس ہیں۔ یہ تو ایک عجیب سی بات ہے، مطلب یہ تو پوری دنیا میں برا کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ نہیں نہیں ایسا بہت دفعہ ہو چکا زندگی میں، کیا کسی شاگرد کو کسی اپنی ٹیچر سے پیار نہیں ہو سکتا؟ ہاں مگر اس نے کہا کہ وہ میرے بچوں کو بنانا تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ ایجنڈا نہیں ہے، میں نے یہ کہا کہ میں نے کہا یار اس طرح میں نے اس کو مثالیں بھی دی، میں نے کہا سال چھوٹی بھی ہوگی تو تیرے تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بچی بھی جو ہوگی وہ سمجھدار ہوگی۔ اچھا یعنی بالکل ہم عمر ہونی چاہیے؟ نہیں ہم عمر نہیں، اس میں نہیں ہونا چاہیے، بڑی بھی نہیں، مگر اس نے کہا جن کو میں پڑھا رہا ہوں میں ان کا استاد ہوں، وہ میری بیٹیاں بہنیں۔ واہ کیا بات، ضروری بھی نہیں۔ تو ہم سمجھے کہ سائرہ تو ہم آپ نہیں کنسیڈر کریں، آپ اس نظر سے نہیں دیکھیں۔ اوکے دین انادر، Aisha is hot, that much I can say. Aisha is very but hot. But in dono mein se? Sure, I think I'll date Aisha. You'll date Aisha? Yes. Okay. So, ab hum idhar change karte hain ji. To phir aa gayi hain Sajal. Sajal is again, I think Sajal ke saath abhi to aajkal mein drama karo. Sajal is a sweet child. So Sajal is... Yes, but you have to is a sweet pick child. One. Ke aap in mein se kis ke saath? Why do I have to think like that? It's so bad کہ میں اپنے سب کالیگز کے بارے میں اس طرح سے سوچ رہا ہوں، مطلب یہ کوئی میرے کردار کے بارے میں بہت اچھی نہیں نہیں کوئی کردار کے بارے میں نہیں، ہم آپ کے ٹیسٹ جاننا چاہ رہے ہیں، آپ کا آپ کی لائکنگز جاننا چاہ رہے ہیں۔ سجل کو کوئی بہت اپنی عمر کا چاہیے جو ڈیٹ کرنا چاہیے ان کو، بالکل عائشہ۔ اوکے سو ناؤ عائشہ مطلب عائشہ یا مہوش میں سے بھی عائشہ۔ Okay, so ab kya hoga? Aisha is again a very old friend, and I think wo friends ko date karna is kafi
odd agar aap baaki friend unko wo so Aisha Aisha again Aisha Khan so Aisha Umar okay Ooh. I think sab yaar So you will go for Saba. Saba. Yes, okay. Saba. There you go. So there we go. अब हम यहाँ पे change करेंगे. Now what? मतलब ये तो जिन जिन के साथ मतलब थोड़े भी मुझे लगता है कि इसमें हर एक इसमें इसमें मेरा ख्याल है हम आपकी तस्वीर भी शामिल कर सकते हैं. अच्छा बाकी मेरी नहीं यार मैं तो उम्र गुजर गई. देख लें कोई मैं तुम्हें भी आपकी तरह इसीलिए महसूस कर नहीं I think this is just अच्छा अगेन अभी दोनों के बीच में एज एक्ट्रेस सबसे पहले आई थिंक मायरा आई लव टू वर्क विद मायरा आई लव टू वर्क की बात नहीं हो रही है इस तरह टेबल पे बैठ के एक दूसरे के साथ कैंडल लाइट डिनर की बात हो रही है आई थिंक इस्लाम में चार की इजाजत है तो आई एम गोइंग टू स्टिक टू बोथ ऑफ देम एक नहीं कर रहा चार का अच्छा चलो टफ तो हम ब्रेक लेते हैं यहाँ पे ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करेंगे बिकॉज हम आपका कीमा भी खाएंगे और ये भी सो वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और हम आ रहे हैं वापस So, हमारा बहुत जबरदस्त किस्म का जिसे कहते हैं खड़े मसाले वाला कीमा और मैंने इसमें जो जो मसाले देखे हैं यकीन करें हमने इतने एक्सपर्ट शेफ्स के साथ भी शो किया है ना मैंने कलौंजी देखी है ना मैंने कटे हुए नींबू देखे हैं ना मैंने पूरी साबुत मिर्च को इतनी खूबसूरती के साथ उसमें जगमगाते देखा है क्या बात है सरमद आपकी अभी हम चखेंगे लेकिन पहले ना ये हमारा आई सेड दो मैं तो अभी दो और का मार्जिन भी लेने लगा हूं अच्छा ठीक है ठीक है बट एनीवन इनमें से कोई एक बोथ नहीं कोई गोइंग टू कीप बोथ कोई एक कोई एक कोई एक कौन चलेगा ओहो दैट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन यस कोई एक इन दोनों खूबसूरत हसीन तरीन खवातीन में से हां नो हाउ अबाउट हम कुछ ऑल्टरनेट नहीं मतलब हफ्ते में सात दिन होते हैं मैं रोज नहीं 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 एक दिन सबा को डेट कर देता हूं एक दिन लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस सो पिक वन हम आपको वो नहीं हम नहीं चाहते कि आप आई थिंक मायरा को ज्यादा मैंने ना वो फ्रेंड जोन भी किया है सो आई थिंक मायरा इज मोर लाइक इन द फ्रेंड जोन सबा आई थिंक या सो सबा ओके गुड सो फिर अब Again, you really bring it. Ushna तो अब मतलब बिल्कुल ही Ushna was like जब मैंने Ushna को देखा तो Ushna is like again Ushna is like my baby sister. I want it. आप डेट नहीं करेंगे okay. really like my baby sister. यार yeah. काश हर मर्द सरमत के जैसा सोचना शुरू कर दे ना तो फिर तो कोई भी किसी को ना मिले सही अच्छा अब आयजा actually very strangely आयजा और मैं ना कभी मिले ना हमने कभी काम किया मतलब आई हैव सीन हर वर्क बहुत शी लुक्स वेरी प्रिटी और दानिश और आयजा आई थिंक दे मेक अ ब्यूटीफुल कपल तो मैं चाहूंगा कि मैं बस उस कपल को एज अ ब्यूटीफुल कपल एडमायर करूं मतलब आप मिलना नहीं चाहेंगे किसी आयजा जैसी खातून के साथ ओके नाउ अगेन वी हैव नॉट वर्क टुगेदर बट मावरा इज शी लुक्स लाइक अ नाइस फन शी इज ग्लैमरस शी इज वेरी ग्लैमरस ब्यूटीफुल या But yeah. between them, no, I'll still stick to Saba. You still? आपको पता है ना कि इधर अब आपके options खत्म हो रही हैं. Okay, great. तो बस. So Saba it is. Saba देखिए पसंद किया है आपको मतलब सरमद ने हमारी out of all these choices good. So इसका मतलब है कि अगर मैं पूछूं ऐसे कि क्या होना चाहिए उस बंदे में बंदी जिसके साथ आप चलना चाहेंगे तो can you just highlights कुछ चीजें? No, I think देखिए ये बात है कि आप जब किसी के साथ इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होती है राइट एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट भी है आप उसमें तो उसमें फिर कॉन्ट्रैक्ट को आप एक डिसेंटली जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट कोई भी करते हैं उसमें क्लॉजेस होते हैं उसमें शरायत होती है उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए बिल्कुल मुझे लगता है कि वो बहुत उसमें एक बराबरी होनी चाहिए उसमें और फिर वही होता है कि जब आप कभी कभी खुद से बेजार हो जाता है इंसान जब आप किसी के साथ रह रहे होते हैं तो आपको उसको भी स्पेस देना और उसको आपको भी स्पेस देना यू नो और फिर वही जो लोग क्रिएटिव उसमें होते हैं मैं ख्याल है चूंकि उनका कोई वो 9 to 5 दफ्तर बंद नहीं होता वो दफ्तर दिमाग में किसी भी वक्त खुला हुआ हो सकता हर वक्त खुला होता है तो वो उधर आपको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप कोई आसान इंसान नहीं है लाइक मुझे पता है कि मैं कोई आसान इंसान नहीं हूं तो वो बस एक आपको कोई
ऐसी कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढनी पड़ती है जहाँ पे आप सब एडजस्ट करें. शुरू करें हम प्लीज. अच्छा सर, कितनी दफा आपने खाया हुआ खड़े मसाले का कीमा? मैं जितनी दफा इसे देखूंगी मैं उतनी दफा ही दाद दूंगी सरमत, इसलिए कि ये इतना मैंने शानदार इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नहीं देखे किसी को यूज करते हुए और डालते हुए. सो ये इसको कहते हैं अचार का मसाला. लाइक जब अचार बनता है ना उसमें जो चीजें डलती हैं, कलौंजी और मेथी दाना और ओ क्या रह गया सौंफ, वो नहीं डली भूल गया. वो कल रात को जब मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए मैं जो उस वक्त सौंफ बतानी थी सौंफ में बता नहीं पाया. अरे सर ने रोटी भी आपकी वही उठा के खाना शुरू की है जो आपने अपने हाथ से बनाई है. सर आपने कमेंट करना है कैसा बना है, आप भी चख के बताएं कि देखो जी मैं तो खाता ही रहा हूँ. आज खासे अरसे के बाद मैं ये खा रहा हूँ इसके हाथ का बना हुआ. और इत्तेफाक है जब गाड़ी लेने आई सुबह मैं इस तजब्जब में था मैं शेव कर लूं या नाश्ता कर लूं. अच्छा तो मैंने अल्लाह के आसरे पे नाश्ता तो छोड़ दिया, शेव कर ली मैंने. तो दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम तो मैं आऊंगी तो ये आज तो मौज होगी, ईद होगी. वाह क्या बात है, जबरदस्त. अच्छा नहीं सर मैं इतना जबरदस्त डायरेक्टर, एक एक्टर से डायरेक्टर तक का सफर इजी तो नहीं होगा, मुश्किल रहा होगा एक्सेप्टेंस का? एक्चुअली मैंने सबसे पहले लिखना शुरू किया था. सो हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ उतनी लाइंस वो नहीं है, यू नो इतने हार्ड लाइनर्स नहीं होते यहाँ पे कि आपको ये काम करना या नहीं करना. सब भी काफी कुछ कर रहे होते हैं, आई एम नॉट द ओनली वन. सो एक तो ये कोई बहुत अनहोनी बात नहीं मुझे लगती, लाइक कोई समझे कि कोई एक्सेप्शनल बात नो. सेकेंडली उसमें मेरा कुछ मुझे दिक्कत वहाँ पे होती है जब आपको खुद अपने आप को डायरेक्ट भी करना हो, बिकॉज उसमें फिर ये होता है कि वो मेंटली काफी चैलेंजिंग हो जाता है और डेफिनेटली आप दोनों जॉब्स फिर एक जितनी अच्छी नहीं कर. लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो तकरीबन अपने हर प्रोजेक्ट में आप कहीं ना कहीं थोड़े बहुत होते जरूर हैं. थोड़ा बहुत वो वाला होता है कि जनरली तो कोई एक आध सीन में पीछे के मंडला रहा होता हूँ जैसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, बट उस तरह से प्रॉपरली नहीं. बट काफी प्रोजेक्ट्स किए भी हैं, शुरू के बहुत सारे थे लेकिन अब नहीं करता. अच्छा हमसफर इतना बड़ा हिट था, इट वॉज अ ब्लॉकबस्टर ना, तो बाकी भी ड्रामे बहुत अच्छे उस पे गए हैं बट नॉट लाइक हमसफर. तो कभी फील किया कि यार इस तरह का कोई एक और ब्लॉकबस्टर चाहिए है या आएगा या आना चाहिए? देखिए अगेन आई विल बी ऑनेस्ट, सक्सेस किसी को बुरी नहीं लगती, सक्सेस सबको अच्छी लगती है. मसला तब आता है जब उसके साथ साथ आपको पता होता है कि फेलियर भी होता है कहीं ना कहीं, और फिर फेलियर को एक्सेप्ट करना भी होता है. सो आई थिंक मुझे सक्सेस की उससे ज्यादा वो जो फेलियर के खौफ से आप काम करना छोड़ देते हैं ना कि एक सर्टन तरह का काम अब आप नहीं करें, ये तो नहीं चलेगा, लोग क्या कहेंगे, आई थिंक वो खौफ मुझे कॉन्स्टेंटली निकलना पड़ता है. ठीक है, हमसफर के बाद सबको भी लगता था अच्छा आपको सेफ मेन स्ट्रीम चीज आप करते रहे, यू नो गलतियां मुझसे डेफिनेटली होंगी. जैसा हमसफर बनाते हुए ये नहीं सोचा था, किसी ने एस्टिमेट नहीं किया था कि ये ऐसा बन जाएगा. आपको अंदाजा था कि मायरा विल बिकम दी मायरा खान एंड फवाद खान? सी आई थिंक कुछ तो होता है, देखिए दोनों में एक स्टार क्वालिटी तो है, एक एक्सेप्शनल स्टार क्वालिटी है दोनों के अंदर, राइट? वो चाहे वो अपने वो टीवी के इश्तिहार करते हैं या कुछ भी करते हैं, दे आर स्टार्स, वो उनमें एक स्टार क्वालिटी होना जरूरी है. दिल रुकता है उन्हें देख के एक दफा. एक्चुअली आई थिंक दे वर ब्रिलियंट टू डायरेक्ट एंड यू नो जब हम वो बना रहे थे, बट अगेन इतना मॉन्स्टर सक्सेस जो है वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाता. मैं आप उसको वो नहीं कर पाते कि मैंने अब कामयाब होना है. मेहनत आपके कंट्रोल में होती है, अपनी साफ नियति आपके कंट्रोल में होती है, बट बियॉन्ड दैट आई थिंक नथिंग इज इन योर कंट्रोल. सो या सक्सेस डेफिनेटली मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है बस सक्सेस में लोगों को बुजदिल बना देती है कि फिर उनको लगता है अब हमें फॉर एग्जांपल एक्टर्स एक सर्टन तरह के रोल्स करना छोड़ दें कि नहीं लोग क्या कहेंगे, राइटर लिखना छोड़ दे, डायरेक्टर डायरेक्ट करना छोड़ दे. तो उसके बाद मैंने वो बार बार अपने आप को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, यानी मतलब जो आपका दिल चाहे. अगर आपका दिल नहीं चाह रहा एक्सपेरिमेंट करने को फिर आप ना करें. मतलब मेरा दिल चाहता है कि जब वही मैंने कहा मैंने हम सफर किया तब तक मैंने रोमांटिक ड्रामा नहीं बनाया, मतलब फॉर मी दैट वाज अ चैलेंज. ठीक है, बट आफ्टर दैट वो चैलेंज बस हो गया. अच्छा मोहब्बत है क्या आपके नजदीक? हाउ विल यू डिफाइन मोहब्बत, क्या चीज है? Mohabbat is just being good. Mohabbat is good? Just being good. Like, you know, आप एक मोहब्बत एक अच्छाई है. और वो अगर आप मोहब्बत में हैं और आप में से अच्छाई नहीं निकल रही इसका मतलब वो मोहब्बत नहीं है. अगर आप कोई बुरी हरकतें कर रहे हैं इसका मतलब आप सीरियसली जेन्युइनली बिल्कुल सही. अच्छा आप तब तक खाना तो एंजॉय कर रहे हैं लेकिन सॉरी टू बॉदर, हमने आपसे कुछ और एक्टिविटीज जो है वो जरा प्लान की हुई है. तो सर आप नाश्ता एंजॉय कर लिया तो फिर आप यहाँ तशरीफ लें.
ताकि हम सरमद आप भले वहीं पे बैठे रहें और आप हमारे साथ जो है वो इसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं. स्क्रीन पे आपके सामने अब आपके कुछ मेल स्टार्स जो हैं वो आएंगे और आपने मुझे बताना है कि इनमें से किसको आप हेट करेंगे. नो, हेट इज सच अ स्ट्रॉन्ग वर्ड. मैं ज्यादा पसंद कर सकता हूँ किसी को. अच्छा, हेट तो मतलब हेट के लिए वो ये कि हेट इज लाइक लव. वो इतना इंटेंस इमोशन है कि मैं उसके बारे में बड़ा केयरफुल हूँ कि मैं किसी को इतनी पहले इंपॉर्टेंस दूं कि मैं उसको हेट करूं. अच्छा, क्योंकि हेट करने के लिए आपको अगले बंदे के बारे में बहुत सोचना पड़ता है. बहुत उतना ही सोचना, उससे ज्यादा सोचना पड़ता है, बहुत सीरियसली लेना पड़ता है. हाँ, बट स्टिल आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लें या ओके या नॉट ओके या किसको ज्यादा. हुमायूं. हुमायूं, यस, ओके. अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास इसी तरह से दो और लोग. जी, आप भी सरमद, आप भी मेरे साथ आ जाए, बल्कि आप इस तरफ आ जाए. अच्छा, okay. हाँ, क्योंकि हम कैमरा आपको देख नहीं पा रहा. सो अगेन आई थिंक आई मीन अब वो एक क्राइटेरिया क्या है, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा कि एक्सेप्ट या वो जो आप कह रहे हैं योर लाइकिंग. अगेन आई थिंक लाइकिंग वाइज अभी वही मैंने इमरान के साथ बहुत ज्यादा काम नहीं किया अभी, बल्कि अब हम एक सीरियल आजकल शूट कर रहे हैं. सो डिप्लोमेटिकली तो मैं इमरान, मैंने फवाद के साथ काम किया एंड आई थिंक वी हैव हैड लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप एज एक्टर डायरेक्टर. ठीक है, सो फवाद. Fawad, yeah. You will like Fawad. I mean, more or less की आप बात कर रही है ना इस वक्त. So you will like अभी so far I like Fawad more. इमरान के साथ अभी मैं काम करूँगा. ठीक है. So अगले अगला एक combination जो है वो हम देखते हैं. So इन दोनों में से दानिश और मिकाल जुल्फकार में से. मिकाल. मिकाल. Okay. And which one? अच्छा, यहाँ पे आपने नहीं बोलना. आपके ख्याल में सरमर जो है इन दोनों में से किसे पसंद करने वाले हैं? फैसल कुरैशी. अच्छा सर, आपका क्या ख्याल है कि सरमद इन दोनों में से किसे पसंद करेगा? फैसल को. फैसल को. और सरमद क्या कहेंगे? अच्छा, अब अगेन हुमायूं, अदनान, फैसल. अच्छा, ये हमारा वो वाला है ना जो स्लाइटली मुझसे बड़े हैं, तो वो एक रिलेशनशिप और इनसे वो वाला भी है, दोस्ती भी. और आई थिंक फैसल के साथ खुसूसन, एक फैसल ने हमेशा ही हैज बीन वेरी वेरी सॉर्ट ऑफ फ्रेंडली, ब्रदरली. अदनान के साथ काम करने का मौका मुझे कम मिला, बट जब भी हम मिलते हैं, I think अदनान is also a sweetheart. ठीक है. But out of these two, for now, yes, फैसल. वाह. सो आप लोगों ने सही गेस कर लिया. भी आप लोग कैसे बूझ पाए कि इनको फैसल पसंद होगा? नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा. जी, कैसे गेस था? तुक्का था, बड़ा जबरदस्त तुक्का था. तुक्का था. वाह. अच्छा, इन दोनों में से शहरयार मुनव्वर और एहसन खान में से. So that's a very odd combination to pick from, because we're completely different schools of sort of or generations in a way ke, you know. Aisan again, Aisan se meri bahut dosti hai, Aisan ke sath bahut kaam bhi kar chuka hu. Shahryar ko main sirf janta hu, aise maine kabhi kaam nahi kiya. So I think wohi ke shanasai ki buniyadon pe Aisan. Aisan. Wah, zabardast. Good. बड़ा केयरफुली आप बचते जा रहे हैं हर एक चीज में से. अच्छा, आप अपने कुछ लोगों को रेट करना है. रेट करना है. आउट ऑफ 10 आपने उनकी ग्रेडिंग करनी है, उनके नंबर देने हैं कि वो नंबर जो है वो क्या होंगे. ये एक स्लाइड रहती है क्या? ये लास्ट है. ए फहद. सनी. सनी. सनी कहते हैं फहद को यार. आप सनी कहते हैं? नहीं नहीं, सब सनी कहते हैं. फहद का नाम सनी भी है. सो सनी यहाँ पे सिलेक्ट हुए. क्या बात है, जबरदस्त. अब रेट पे आते हैं. रेट पे आ जाएं जल्दी से कि रेट अगर करना हो तो आउट ऑफ 10 कितने नंबर जो हैं वो आप देने वाले हैं. सो शुड वी स्टार्ट? जी चलें. सो आपने रेट कैसे करना है इनको? स्लाइड दीजिए. आउट ऑफ 10 एक्टिंग. हाँ, एक्टिंग एज डायरेक्टर आउट ऑफ 10. ओके, जल्दी. वो साइकिल. ओके, हुमायूं वुड बी 7, सजल वुड बी 9, 9, 7. ओके, आगे. एंड एसन वुड बी 7, 7. या, ठीक है. 6, 6. सो फार मैंने काम बहुत नहीं देखा. ठीक है. डेफिनेटली 9, 9. ठीक है. डेफिनेटली 8, 8. ओके. 6. 10 में से 6. इमरान को. ओके. दानिश तैमूर. 5. हाँ, 10 में से 5. ओके, सही. हंसवाएंगे आप मुझे? मैं बस अपने डिप्लोमेटिकली नहीं चल रहा. आगे चलिए.
9 surely sahi aage 7 theek hai 6 aage 6 Mikhail Zulfkar theek hai aage who's that maya 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 would be 6 6 yeah. Maya will be 6 yeah really okay chale aage chale Aisha 6 definitely Mehvish. 7.5 Mehvish at 7.5 yeah good aage chale ye pehli hai jinhone half liya this is Suhai ji 6.5 aage 6.5 Saira Shahrooz 6.5 yeah ji 6 Urva Mavra 6 yeah Neelam. 7 yeah okay Urva 7 Aiza ka maine kaam bahut kam dekha but Aiza is a decent actor so Aiza would be again 6.5 mm-hmm. okay aage kuch hai hamare paas log Aisha would also be 7 right Myra well Myra is number 1 that's what I can say मायरा के बारे में सब्जेक्टिव हूँ बहुत सब्जेक्टिव दस में से ना 11 दस में से 11 नंबर है सबा सबा इज सो वी कैन से सबा 10 आउट ऑफ 10 या मोर तो सबा एक ऐसी बंदी है जिसको आपने डेट में भी सबसे हाईएस्ट रेट किया है और यहाँ रेट में भी सबसे हाईएस्ट उनको रेट किया है सो दैट इज वन थिंग जो हमें पता चला इंटरेस्टिंग लेकिन कहीं आप मायरा को बचा तो नहीं रहे नहीं यू सी अगेन मैंने भी बोला कि मायरा के बारे में बहुत सब्जेक्टिव हूँ मायरा के बारे में अगेन जो मायरा ने अभी तक जो काम किया उसमें अपनी रेंज उतनी एक्सप्लोर नहीं की ठीक है जो वो करती है और जब व्हेन आई डायरेक्ट हर आई थिंक दैट्स द मोस्ट सॉर्ट ऑफ ब्रिलियंट sort of exercise, you know, directing her. और मुझे बहुत सारे roles में जब भी मैं कभी सोचता हूँ तो मुझे मायरा सबसे पहले somehow नजर आ रही होती है कि उसको होना चाहिए वहाँ पे. But अगर range wise अगर किसी का मैं fan हूँ उस तरह से कि जिसका काम मैंने देख के वाकई मतलब मैं हैरान हो जाता हूँ actor के तौर पे that's सबा मतलब सबा surprises me सबा के लिए clap thank you आइएगा तशरीफ रखिएगा हम लेंगे एक break और break के बाद हो रही है फिर आपसे मुलाकात खुश आमदीद आज हम मिल रहे हैं दो बहुत कामयाब लोगों से अपनी अपनी फील्ड के जाने माने पहचाने और हमारे लिए जिसे कहते हैं सरमाए इफ्तिखार इसलिए कि इरफान खुसर साहब 50 साल माशाल्लाह स्क्रीन के साथ इनकी वाबस्तगी को और हमारे दिलों पे इन्हें हुक्मरानी करते हुए हो गए इसलिए कि इनके निभाए हुए खूबसूरत किरदार जो वो अमर है वो यादगार हैं एंड ही इज अ लेजेंड और उनके साथ साथ उनके बेटे जो कि अब स्टार मेकर हैं अ ब्यूटीफुल एक्सेलेंट डायरेक्टर जिन्होंने अपने आप को मनवाया है इतने बहुत सारे चैनल्स में सो आज इन दोनों से गप करते हैं याद है पहला लव सरमद ने क्या बोला था पहला कोई फर्स्ट वर्ड अब्बा था अम्मा था समझ नहीं आया अरे क्या फील होता है बाप को जब बेटा उसकी उंगली पकड़ के चलता है पहली दफा या चलाया था आपने या नहीं टाइम मिला कुछ नहीं, इतना देखिए ये एक ये आप और सरमद है सामने जो स्क्रीन पे तस्वीर हम देख हाँ जी ये सरमद है वो मेरी तो तस्वीर को पास बैठा हुआ और वो टोपी पर भी सरमद स्क्रीन आई लुक लाइक आई एम ड्रग्ड खांसी की दवाई पी के मुझे अच्छा तो इंसान अपना रिफ्लेक्शन देखता है अपने औलाद में अच्छा हाँ अपने आप को देखता है अपने आप अच्छा, ये तो रिजेम्बलेंस भी बहुत ज्यादा है सरमद अच्छा मैं एक बात बताऊं कि इसकी असल रिजेम्बलेंस जो है वो मेरे वालिद से अच्छा मैं इसकी इससे प्यार तो करता हूं क्योंकि ये इसी फील्ड में आया
बेटी भी एक लिखती है, एक डायरेक्टर है, मैं इसकी इज्जत भी करता हूँ। ये नहीं कि अब ये सरमद खूसट, ये दादा की तस्वीर आपके, हाँ, तो इसमें इसका अंदाज, इसका काम करने का अंदाज, इसका लिखने का अंदाज और इसका मुस्कुराना, आपको अपने वालिद की याद, मुझे अपना बाप नजर आ। वाह वाह वाह, क्या बात, ऐसे ऐसे बच्चे से ज्यादा प्यार होता है, हाँ, जिसमें अपने वालदैन का कुछ रिफ्लेक्शन जो है ना वो नजर आए। तो हम कह सकते हैं कि सबसे लाडला था आपका? लाडले मेरे सारी, अच्छा ना, नहीं नहीं, मैं कोई खास लाडला नहीं, कोई खास, बिल्कुल मैं अम्मा का, अम्मा का लाडला था ज्यादा या दादी का? अम्मा का और दादी का ज्यादा। तो मतलब अम्मा के चले जाने को या दादी के चले जाने को, देन यू मस्ट बी वेरी, अगेन यू सी, वही कुछ चीजें वो आपको बड़े होने के साथ साथ समझ आती जाती हैं। सो वो यकीनन, आई मीन वो तो ऐसा इरिप्लेसेबल लॉस होता है जो किसी का भी, जिससे भी आप प्यार करते हो, अगर आप बाकी सच्चा उसके साथ एक ताल्लुक है, आपका दिल का ताल्लुक है, तो वो तो कभी भी आप, मतलब एक खला जो होती है वो पूरी नहीं होती। ठीक है, बट या You miss them. Of course. कभी ये फील हुआ है कि यार अम्मा ने मेरी वो ये सक्सेस नहीं देखी? या या, every time, मेरी ये कामयाबी काश उन्होंने देखी होती। हमेशा 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 वो होता है कि वही आप कुछ चीज़ों के बारे में, एक फेज होता है जब बहुत इमोशनल होते हैं, फिर आप उनके बारे में ज़्यादा थोड़े से लॉजिकल हो जाते हैं, फिर वापस इमोशनल हो जाते हैं। आई थिंक फ्रॉम वेरी इमोशनल टू लॉजिकल नाउ समटाइम्स वो वापस इमोशनल उसकी तरफ चला जाता है। तो मगर अब ये ज्यादा लॉजिकल हो गया, अभी ज्यादा ही लॉजिकल सही। अच्छा सर, प्रैक्टिकल चले आप इसे ये कह लें, मगर अब ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना चाहिए, नहीं, नहीं, थोड़ी थोड़ी, थोड़ी फैंटेसी रहनी चाहिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी है उसके बगैर तो। अच्छा सर, मतलब बच्चे ठीक है थे, आपकी औलाद थी, लेकिन आप तन्हा हो गए थे, तो आपने नहीं कभी सोचा वो मर्दाना वाली सोच कि मैं अकेला हूँ, मुझे एक साथी चाहिए? मतलब होता है इस कहानी को बस नो कमेंट, नो कमेंट, मतलब कुछ ना बोल इसको, मत पूछे, ठीक है, मतलब यू जस्ट नेवर। हाँ बहरहाल मैं ठीक हूँ, खुश हूँ, मोहब्बत चाहिए होती है, वो अगर साथी से नहीं मिलती तो औलाद दे दे तो बंदे को फिर ऐसे बखेड़े नहीं पालने चाहिए। क्या बात है। अच्छा चले हम चेंज करते हैं टॉपिक को, मेरा हालत ज्यादा ही संजीदा हो रहे हैं। सो कुछ हम खतरनाक सवाल आपसे पूछने वाले हैं, ये आप लोग अपने हाथ में पकड़ लें, कभी नहीं या हाँ, सवाल बहुत खतरनाक है, मैं पहले ही आपको इसके बारे में आगाह कर रही हूँ, खतरनाक। अच्छा। सवाल है, और सर आपसे भी और बेटे से भी, दोनों से इकट्ठे हैं, इससे कर लीजिए, जवान आदमी है। अच्छा चलिए, अगर आप नहीं आना चाहते, नहीं नहीं नहीं, अच्छा चलिए मैं आपसे पहले पूछूंगी कि इस सवाल का वो क्या जवाब देंगे, और फिर हम उनसे जवाब आपने रेस करना है, ठीक है। अच्छा सर, आपके ख्याल में सरमद ने कभी अपने से बड़ी उम्र की औरत से प्यार किया होगा? कभी नहीं? हाँ सरमद, हाँ या नहीं? उम्र इज सो इररिलेवेंट, अब्बा ने किया था। मेरी अम्मा मेरे अब्बा से बड़ी थी। अम्मा अब्बा से बड़ी yes, थी yes, अच्छा गुड yes. आपने किया कि नहीं किया? हाँ कभी नहीं, चल नहीं, जो अब्बा कह रहे हैं मान लेते हैं। अच्छा, बड़ों की मान लेनी चाहिए। कभी नहीं। अच्छा बैक वक्त सरमद को कभी दो लोगों से सर प्यार हुआ होगा? एक ही वक्त में बंदे को दो लोग पसंद आ जाते हैं, उसे समझ नहीं आती किससे ज्यादा प्यार वो है। अभी उसका मुजाहरा हुआ तो है। That was just a muzahira. No, I think सरमद कह रहे कभी नहीं। हाँ मतलब उस तरह से नहीं कि वो आप ओके okay. अच्छा सच्ची मोहब्बत मिली अभी तक आपको? लगा सरमद को सच्ची मोहब्बत मिली है जिंदगी में कभी? ये बताए, सच्ची मोहब्बत मिली है? But again, मोहब्बत मेरे लिए एक बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है, इसलिए। अरे कभी किसी का दिल तोड़ा? आपको लगता है सर तोड़ा होगा? नहीं। अच्छा तोड़ा मतलब डेफिनेटली, मतलब वही मैंने कहा, इंसान है, इंसान को वो भी खता का, गलती का मार्जिन मिलना चाहिए, and I'm sure. आपने दिल तोड़ा? I'm sure. किसी ने दिल तोड़ा? किसी ने भी दिल तोड़ा? वाह 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 वाह। अच्छा अपने से छोटी लड़की से कभी कोई इन्फैटुएशन, कोई कैरेक्टर? छोटी इज द क्वेश्चन, कितनी छोटी इज द क्वेश्चन? अपने से छोटी, भले उम्र, मैंने वही कहा कि उम्र, फ्रेंकली वही बात है कि उम्र बड़ी एक रेलेवेंट सी चीज होती है, राइट? बस तो वो उसमें
इस तरह से मतलब आप कभी इवन दोस्ती में नहीं करता ये सोच के अच्छा ये तो बहुत छोटा है या छोटी है या बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे दोस्त जो हैं वो मुझसे बहुत बड़े भी हैं और मेरे दोस्त मुझसे छोटे भी हैं, और मेरे दोस्त जो हैं मेरे अब्बा के जो दोस्त थे वो मेरे दोस्त हो गए, ठीक है, और मेरे दोस्त फिर इनके दोस्त सारे मेरे दोस्त हैं और मेरी ज्यादा दोस्ती है कुछ से, तो दोस्ती का सफर इसी तरह से चल रहा है और मेरी दोस्ती इनके दोस्तों से ज्यादा है। अच्छा सरमद, मैं चाहूंगी हमारे इतने बड़े मतलब लेजेंड इतना कमाल इनका, वो जुमला ही नहीं भूलता, वो एक जुमला एक सेंटेंस हिट है, तो मैं चाहूंगी आप उसको, मैं मुझे कई दफा फरमाइश की मुझे इतना ऑकवर्ड लगता है बिकॉज आई रियली थिंक आई एम नॉट इवन 1/10 ऑफ द एक्टर जो अब्बा है, लेकिन नहीं वो मुझे ऑनेस्टली नहीं आता, मैं बहुत ही बचपन में कहता होता था शायद, आई डोंट नो, बचपन में ऐसे मुझे उससे चिड़ी चट्टी थी, हर बंदा मुझे कहता था माने बुआ ले ना दया जमात पास हूँ डायरेक्टर वाला। अच्छा मैं मुझे सोचता था क्यों उनका एक नाम है या उनकी एक वो एक इंसान है वो एक जुमला नहीं है, राइट, सो आई थिंक वो बचपन से मैं उससे शायद वो थोड़ा चिड़ ज्यादा गया। सर आपके फिर उसी मशहूर डायलॉग के साथ हम इजाजत लेना चाहेंगे। अच्छा वो डायलॉग, अच्छा कोई और बोल दें, नहीं मसला ये है हम डायलॉग ही तो हो रहा है इतनी देर से हमारे घर में, अर्थ ये है कि मैं भी ये जो चिढ़ता था तो मैं भी चिढ़ चुका हूँ, उसकी वजह ये है कि डायरेक्ट हवालदार क्रिएशन थी यूनुस जावेद साहब की जो मैंने परफॉर्म किया, ठीक है, तो इरफान खुसर पहले था, ठीक है, वो हवालदार बाद में बना, ठीक है, हवालदार ने नहीं इरफान खुसर को बनाया, ठीक है, ओके गॉट इट, यानी आप भी नहीं बोलेंगे? नहीं मैं तो बोल दूंगा क्योंकि मेरी अब मजबूरी बन गई है, इसके अलावा हमारी दुआ है कि जैसे आप लोग कामयाब हैं एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक, हर घर में माँ बाप का रिश्ता इसी तरह से खूबसूरत हो, वालिद का और बेटे का रिश्ता इतना खूबसूरत हो, और हम आपसे चाहेंगे इजाजत, आपका बहुत सारा शुक्रिया कहते हुए इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा, आपकी हर सुबह खुशगवार, हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो, अल्लाह हाफिज़।